इससे पहले प्रभु के वचन में मैं जाऊं, एक दो बात अपने विषय में बताना चाहूंगा, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। पास्टर साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन एक दो बात और बोलना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि जो सामने 6 फीट का कोई आपके सामने खड़ा है और कौन है, कहां से आया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं मेरा नाम जैसे पास्टर साहब ने बताया, मेरा नाम पास्टर किशोर सागर है और मैं बेसिकली महाराष्ट्र का नागपुर शहर का रहने वाला हूँ। और नागपुर शहर का भी नहीं, बड़ी खिचड़ी सी है बात है, लगभग 70-80 साल पहले मेरे दादा परदादा के समय के लोग नागपुर शहर में आकर बस गए और वहीं पर मैं पैदा हुआ, वहीं पर बड़ा पला और लगभग वहीं पर मैंने और मेरी माँ ने, मेरे परिवार ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जानकर स्वीकार किया और फिर वहीं से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया उसकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। और इन दिनों में जैसे पास्टर साहब ने बताया कि मैं इंडियन इवेंजेलिकल करके एक मिशन है, टीम है, उनके साथ काम करता हूं और बेशबच करके हम लोगों की चर्चेज हैं और उनके साथ में मिलकर प्रभु की सेवा करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु ने, जब मैं 17 साल का था प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए मुझे बुलाया और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। लगभग 20 साल प्रभु के साथ उसकी सेवकाई में हो गए और प्रभु ने मुझे उसके अनुग्रह में बना के रखा, इस बात के लिए मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और पास्टर साहब से और उनके प्रिय पत्नी से मेरी मुलाकात इसराइल में हुई, पिछले साल हम लोग इसराइल में थे और बड़ा प्यार मुझे उनके तरफ से मिला और खासकर बोलना चाहूँगा बड़ा प्यार मुझे मेरी दीदी के तरफ से मिला और वहीं से परमेश्वर ने न केवल हमको शब्दों से वरन प्रभु ने हमें दिल से वहाँ से जोड़ दिया और आज भी परमेश्वर ने उस प्यार को बरकरार रखा और समय दर समय बढ़ाते जा रहा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिस परिवेश में मैंने और मेरी माँ ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जानकर स्वीकार किया, जीवन में कोई आशा नहीं थी, जीवन में कोई सामने रास्ता नहीं था। मैं कल भी कहीं पर कह रहा था कि बार बार मेरी माँ आत्महत्या करना चाहती है गरीबी से तंग होकर। 5 साल की उम्र में मेरे पिता को कैंसर हो गया और कैंसर से उनका देहांत हो गया। मैं और मेरे चार भाई बहन हम लोग हैं और माँ, हम लोग 5 लोग बड़ी मुश्किल के साथ अपने जीवन को व्यापन कर रहे थे और उस समय तक हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जानकर, हम लोग यीशु उद्धारकर्ता है करके हमको मालूम नहीं था। हमारे पूरे खानदान में किसी ने यीशु मसीह पर कभी विश्वास भी नहीं किया और इस तरीके की परिस्थिति से होकर जाते समय कई बार मेरी माँ मरना चाहती है, आत्महत्या करना चाहती है, मैं मरना चाहता हूँ, आत्महत्या करना चाहता हूँ, क्योंकि गरीबी से तंग आकर लगता था गरीब पैदा हुए गए और एक दिन ऐसे ही जीवन खत्म हो जाएगा। मुझे अभी भी एक कहानी याद है, एक दिन की बात है, उस समय तक मैंने यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार किया। एक दिन नागपुर में पता चला 15 अगस्त के दिन कुछ हवाई शो होने वाला है, मालूम पड़ा वहाँ पर, अखबारों में आया और पता चला। मैं भी अपनी साइकिल लेकर वो हवाई शो देखने के लिए गया, सोनेगांव नामक जगह है जहाँ पर एयरपोर्ट है और मुझे अभी भी याद है एक जगह रोड के किनारे मैं अपनी साइकिल रखता हूँ, रखने के बाद रोड के उस पार खड़े होकर सारे लोग उस हवाई जहाज का करतब हवाई जहाज दिखा रहा है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है और हम सब देखकर उसका लुत्फ़ उठा रहे थे। मुझे अभी भी याद है उतने में कोई व्यक्ति जोर से हॉर्न बजाता है, मुझे इसकी याद आती है, मुझे लगता है कोई जोर से हॉर्न बजा रहा है गाड़ी का। मैंने पीछे पलट कर देखा, तब मैं देखता हूँ कि मेरी जो साइकिल मैंने जहाँ खड़ी खड़ी थी उसके बिल्कुल बगल में चिपक कर एक कार खड़ी है और वो कार वाला जोर जोर से हॉर्न बजा रहा। तुरंत मैंने उसके कहा, मैंने कहा भैया एक मिनट रुकिए मैं अपनी साइकिल हटा देता हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मैं साइकिल हटा रहा था और तब वो मुझे देखकर 2-3 गंदी गाली देता और मुझे देखकर कहता है तुम्हारी कोई औकात नहीं, ना जाने कहां कहां से रिक्शे वाले, साइकिल वाले, सब्जी वाले हवाई जहाज का शो देखने के लिए आ जाते हैं। मेरा दिल बहुत टूट गया, मैंने साइकिल उठाई, मैंने बोला मैं प्रोग्राम नहीं देखूंगा, मैं साइकिल उठाकर रास्ते भर में रोते हुए चला जाता हूं। मैं अपने घर पहुंचता हूं और मैं अपनी माँ से कहता हूं, मैंने कहा माँ मैं गरीब पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मेरा कोई दोष नहीं। और तब मेरी माँ को समझ में आया कि मैं ऐसी जब बात कर रहा हूँ कुछ तो मेरे साथ हुआ। तब वो मुझसे बोलती है कि किशोर क्या हो गया। मैं कहता हूँ माँ आज मैं हवाई शो देखने गया था, हवाई जहाज देखने गया था और अचानक कोई व्यक्ति मुझे इस तरीके से कहने लगता है। और तब जब मैं बोल रहा था तब मेरी माँ ने मुझसे कहा किशोर परमेश्वर यदि हमारे साथ है, परमेश्वर यदि तेरे साथ है, यदि तू परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेगा किशोर कोई बात नहीं, आज तू हवाई जहाज देखने के लिए गया था, वहां निंदा पड़ी, वहां गाली पड़ी, वहां पर तमाम प्रकार की बात हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू विश्वास करता है इस प्रभु के ऊपर
एक दिन आएगा ये परमेश्वर तुझे मौका देगा बेटा उसमें बैठकर हवाई जहाज में जाकर सफर करने के लिए। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा, परमेश्वर ने मेरी सहायता करी। पिछले दिनों लगभग 8 से अधिक देशों में प्रभु ने जाने के लिए मुझे मौका दिया। कुछ दिन पहले मैं पास्टर साहब से बता रहा था, मैं एक शुभ संदेश चैनल के लिए अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद करता था। परमेश्वर ने मेरी सहायता करी, 3 साल में 60 से 70 बार हवाई जहाज में बैठकर जाकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए। प्रभु के लोगों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस प्रभु की आप और मैं सेवा करते गए, जिस परमेश्वर को ऊपर आपने मैंने भरोसा रखा गया, जिस परमेश्वर के ऊपर आप और मैं आश्रित हैं, वो परमेश्वर आपको मुझे रास्ते में छोड़कर जाने वाला नहीं है, वो परमेश्वर आपको मुझे धोखा देने वाला नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, बाइबल कहती है वो गरीब को, कंगाल को घूरे पे से उठाकर राजाओं के साथ बैठाने वाला परमेश्वर है। सो मैं विश्वास करता हूं, जब हम उस परमेश्वर के साथ विश्वास चुके रहते हैं, मैं विश्वास करता हूं जब उस परमेश्वर की ओर हम अपनी दृष्टि को लगाए रखते हैं, वो अपने वचन और अपने कथन के अनुसार आपके मेरे जीवन में अपने काम को निरंतर करते चला जाता है। मैं परमेश्वर का फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज इस सुबह के समय एक बाइबल स्टडी के रूप में कुछ बातों को आपके साथ मैं बांटना चाहूंगा, जिसे परमेश्वर ने मेरे दिल में बांट रखा, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा निश्चय परमेश्वर आपसे आशीष, आपको आशीष देंगे, आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ मैं कई अपनी जीवन की उन गवाहियों को देना चाहूंगा जिनके द्वारा परमेश्वर मुझे लगातार आशीष देते आ रहा है। लेकिन मैं देखता हूं जब यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई है, मैं विश्वास करता हूं मती वहां बैठा है, यीशु अपने लोगों के साथ आ रहे हैं, और यीशु मसीह मती के आंखों में आंखें डालकर क्या करते गए, देखते गए। जब यीशु ने मती की आंखों में आंखें डालकर देखा, कुछ तो मती के जीवन में हो गया, कुछ तो मती के जीवन में घटित हो गया। ध्यान से सुने, और वह क्या था, अब तक जब लोग मती को देखते हैं, कोई गुस्से में देखता है, कोई शंका भरी नजर से देखता है, कोई क्रोध में देखता है, भैया 10 रुपए टैक्स बनता है ये 20 रुपए ले रहा है, कोई अलग अलग दृष्टि से देख रहा है। लेकिन पहली बार मती अपने लिए किसी की आंखों में दया देखता है, अपने लिए किसी की आंखों में प्यार देखता है, अपने लिए किसी की आंखों में थरस देखता है, अपने लिए किसी की आंखों में कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है, उस थरस को मती देखता है, समझता है। और मती क्या करता है, मती यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। सेकंड चीज भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, न केवल परमेश्वर आपको मुझे बुलाता है, वरन परमेश्वर आपको मुझे जिस परिस्थिति में आप और मैं हैं, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको मुझे क्या करता है, परमेश्वर देखता है। हमारा प्रभु देखने वाला, बाइबल कहती है उसकी कईयों की आंखें हैं पर वो देख नहीं सकते, हाथ है पर चला नहीं सकते, लेकिन हमारा प्रभु हमें क्या करता है, हमारा परमेश्वर हमें देखता है, न केवल देखता है वरन हमारा परमेश्वर हमें क्या करता है, समझता भी है। मैंने कल अपनी एक गवाही बताई थी, कहां पर हम लोग एक जगह पर थे सुबह के समय, मैं एक और बार उस बात को रिपीट करना चाहूंगा, एक और बार मैं चाहता हूं जितने लोग बैठे हैं आप लोग जरूर से आशीष पाएं। मैंने कहा 5 साल की उम्र में मेरे पिता को कैंसर हो गया, इस दुनिया को छोड़कर वो चले जाते हैं। लगभग मैं जब कक्षा 10वीं में आता हूँ, आते समय बहुत गरीब परिस्थिति है, माँ कॉपी किताब खरीद नहीं पाती है, पड़ोसियों से मांग कर मेरी माँ मुझे और मेरे भाइयों को कपड़े पहनाया करती थी, क्योंकि वो सिलाई करती थी। तो जब कोई सिलाई करवाने आता है, वो लोगों से कहती है मेरे बच्चों के लिए अगर आपके बच्चों के पुराने कपड़े हैं आप उनको दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को सिला कर पहना दूंगी। मुझे अभी भी याद है, मैं और मेरा छोटा भाई एक दिन हम लोग कहीं बाजार से जा रहे हैं, और तब 2 लड़के हमारे बारे में उंगली उठाकर हमको देखकर कहते हैं और मराठी में कहने लगे, ते पहा भिखारी चुपुर के जाता है, भिखारी के बेटे जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख लगा, मैं अपनी मम्मी के पास आकर मैंने कहा, माँ आप मुझे कपड़े मत दो, हम ऐसे ही घूमेंगे, लेकिन आप किसी के मांग के मत देना। इस तरीके के परिवेश होकर जाते समय, भाई बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समझ में नहीं आता था क्या करें, समझ में नहीं आता था कहाँ जाएं, समझ में नहीं आता था जीवन में कहाँ रास्ता मिलेगा, कहाँ से हम बाहर निकलेंगे। इन्हीं परिस्थितियों में होकर जाते समय मुझे याद है, मैंने कल गवाही बोली थी, एक दिन की बात है, मेरी माँ मुझे अपने पास बुलाती है और बुलाने के बाद मुझे 1 रुपए देती है, और 1 रुपए देकर मेरे से कहती है, किशोर एक काम कर, जाकर 50 पैसे का नारियल का तेल लेकर आना और 50 पैसे तू वापस लेकर आना। उन दिनों में मेरी माँ को कोर्ट जाना था और 7 किलोमीटर मेरे घर से दूरी है, और उन दिनों में अगर वो जाती है, अगर 50 पैसे की
बस का किराया था और उसको 7 किलोमीटर दूर वो बस से जाने वाली थी और बाकी फिर पैदल आना। मेरे से कहने लगी तू जल्दी जा और जाकर एक काम कर तेल की तेल लेकर आ कोपरे का। मुझे अभी भी याद है मैं जाता हूँ नारियल का तेल लेने के लिए और जब मैं पहुँचता हूँ दुकान में तब दुकानदार से मैं कहता हूँ कि भैया 50 पैसे का नारियल का तेल दे दो। और जब वो तेल नाप रहा था उतने में मेरी नज़र वहाँ पर रखी हुई एक मर्तबान में एक बरनी के ऊपर मेरी नज़र आती है, कांच की बरनी थी और उसके अंदर मैं देखता हूँ एक मिठाई रखी है। मैं दुकानदार से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ भैया ये मिठाई कितने की है और ये क्या है? तब वो मेरे से कहने लगा, अरे इसको मिठाई नहीं कहते हैं, इसको केक कहते हैं। मैंने कहा भैया केक कहते हैं, ये क्या होता है केक? आप विश्वास करिए उन दिनों तक मैंने कभी केक नहीं खाया। मैंने कहा केक का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसमें? वो कहते हैं ये मीठा होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये विशेष दिन खाया जाता है जिस दिन किसी का क्या होता है, जन्मदिन होता है। अब ये मानिए कि मन में मिठाई, अब मैं कह रहा हूँ अगर खाली मिठाई तो माँ से पड़ेगी पिटाई। मैंने पूछा कितने की है, वो कहता 25 पैसे की। अब मेरे मन के अंदर तेल की बोतल लगी है, हाफ पैंट पहना हूँ, 50 पैसे हाथ में हैं, चल तो रहा हूँ, रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है मन के अंदर? केक ही घूम रहा है। केक कैसा होता होगा, कैसा उसका टेस्ट होगा, कभी खाया नहीं है, क्या 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 करते करते। और मुझे अभी भी याद है जैसे मैं अपने घर में घुसने के लिए होता हूँ अचानक मुझको याद आता है, अरे दुकानदार ने कहा था वो तो जन्मदिन के दिन खाते हैं और आपको मालूम है उस दिन मेरा जन्मदिन था, उस दिन 29 जनवरी थी और मुझे याद है मेरा जन्मदिन है। मुझे अभी भी याद है, मैं तुरंत घर में ना जाकर तेल की बोतल लेता हूँ, हाथ में पैसे गए, पीछे भाग कर आता हूँ, दुकानदार से कहता हूँ भैया दे दो और वो 25 पैसे का केक मुझे देता है, छोटा सा वो लेता हूँ, 25 पैसे जेब में, एक हाथ में तेल और केक, आधा केक खाता हूँ। आधा अच्छा लड़का था इसलिए माँ के लिए भी जेब में आधा बचा लिया और विश्वास करिए उस केक को मैं मुंह के अंदर गुड़ 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 करके घुमाते रहा क्योंकि मुझे डर है अगर एक बार अंदर चला गया फिर जिंदगी में दोबारा मिले ना मिले। अब मैं उसको मुंह के अंदर और उसका पूरा टेस्ट में ले रहा, मुझे आज भी उसका टेस्ट याद है, ठीक है, बहुत देर तक घुमाया था। और जैसे ही मैं घर में घुसने के लिए होता हूँ मेरी माँ सामने खड़ी है, कह रही क्यों रे बहुत टाइम हो गया। जैसी माँ को देखा भीतर, माँ ने बोला तू लेकर आ गया? मैंने कहा माँ मैं लेकर आ गया। माँ ने कहा तेल ये लो, भीतर आओ, 50 पैसे। मैं माँ को 25 पैसे निकाल कर देता हूँ। माँ कहती बाकी के 25 पैसे का। जैसे ही 25 पैसे वो कहती है मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ लगातार, वो कहती है किशोर बाकी के 25 पैसे का। और मुझे अभी भी याद है मैंने जो आधा केक खाया हुआ था जेब में से निकाल कर मैं कहता हूँ माँ केक खा लो। मेरी माँ ने कहा तूने केक खाया, पैसे खर्चा किए? मैंने कहा हाँ माँ। और इससे पहले मैं कुछ कहता मेरी माँ जोर से मुझे थप्पड़ लगाती है, दुबला पतला सा था मैं, जमीन में नीचे गिर गया और अब मेरी माँ मुझे जोर जोर से मार रही है, बहुत मुझे मार रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो लगातार मार रही है क्योंकि वो निराश। अब वो कहती है मुझे 7 किलोमीटर पैदल जाना है, 7 किलोमीटर पैदल चल के आना है और वो मुझे मार रही है। और मैं कहता हूँ माँ मुझे मत मारो, मैंने जानबूझ के नहीं खाया। वो कहती है नहीं तूने खर्चा किया इसलिए तूने खाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब मार मेरे सहने के बाहर हो गई मैंने उसके हाथ पकड़ कर कहा, मैंने कहा एक बार तो पूछो मैंने क्यों खाया। वो कहती है तू खर्चा करना चाहता है। मैं कहता हूँ खर्चा नहीं करना चाहता, आज मेरा जन्मदिन है। वो मेरे से बोलती है आज कौन सी तारीख है? और तब मैं कहता हूँ माँ आप खुद कैलेंडर में देखो आज कौन सी तारीख। और तब वो देखती है पता चला आज 29 जनवरी। और मुझे अभी भी याद है जैसे उसको पता चलता है 29 जनवरी है मेरी माँ सॉफ्ट हो जाती है। अब मैं तन जाता हूँ, वो मेरे पास आती है मुझे गले लगाती है, कहती है अरे बेटा मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं मारना चाहिए था, अरे बेटा मेरे से गलती हो गई। मैंने बोला नहीं आप मुझे हमेशा मारती हो, आप अच्छी माँ नहीं हो। आपने देखा होगा जब माँ नरम हो जाती है बच्चे अकड़ जाते हैं और मैं अकड़ रहा हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और मेरी मार तो खा रहा हूँ लेकिन उस समय भी नजर मेरी केक के ऊपर थी, आधा केक कहाँ गया मुझे मालूम था, पलंग के नीचे गया है। जब बहुत मेरी माँ मुझे मना चुकी, अब मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं सामने के रूम में हूँ, तब वो अंदर जाती है, मुझे लगा शायद वो तैयार हो रही। और तब मैं रो रो कर सोच रहा हूँ अपनी मेरी जैसी मेरी माँ जाएगी कोर्ट तुरंत मैं वो भी केक क्या करूँगा खा लूँगा। लेकिन लगभग 5 या 10 मिनट के बाद मुझे स्मेल आती है मिट्टी के तेल की। मुझे लगता है मिट्टी के तेल की स्मेल कहाँ से आने लगी। मैं सामने के रूम से उठकर पीछे के रूम में भागता हूँ और तब मैं देखता हूँ मेरे घर में 5 लीटर मिट्टी का तेल है और वो पूरा की पूरा तेल मेरी माँ ने अपने पर उंडेल दिया। उसके हाथ में माचिस है और वो अपने आप को जिंदा जला कर मारना चाहती है। मुझे याद है अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता, 1 सेकेंड भी लेट हो जाता
वो जिंदा जलकर मर जाती। और मुझे याद है वो पूरी तरीके से उसकी साड़ी भीगी हुई है, बाल भीगे हुए हैं, वो जला रही है, मरना चाहती है। और मैं पीछे से उसको पकड़ कर कहता हूं, मां आज के बाद मैं कभी केक नहीं मांगूंगा, लेकिन आप मरना नहीं, क्योंकि अगर आप मर गई हम अनाथ हो जाएंगे, हम यतीम हो जाएंगे, हमारे संभालने वाला कोई नहीं, हमें देखने वाला कोई नहीं। और लगातार पीछे से मैं उसको पकड़कर घंटों रोते रहा, और वो बार बार कहती है मुझे छोड़ दे, मैं मरना चाहती हूं। वो मरना चाहती है क्योंकि वो मुझे 25 पैसे का केक नहीं खिला पाई। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है अगर वो मर गई इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगातार 1 से 2 घंटे तक ये नाटक चलते रहा। वो मरना चाहती है मैं रोकता हूं, वो मरना चाहती है मैं रोकता हूं, उसने मुझे दरवाजे में बंद कर दिया, मैं दरवाजा तोड़कर भीतर की ओर जाता हूं, मैं कहता हूं मरना नहीं। भाई और बहनों, कहना चाहता हूं कोई भी नहीं था आकर सर के ऊपर हाथ रखकर कहने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं था आकर सांत्वना देने के लिए, कोई भी नहीं था आकर तसल्ली देने के लिए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर एक दिन देखता है और हमारे जीवन के भीतर अपने उद्धार और मुक्ति को ढेलता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आपकी ये परिस्थिति है, परिवेश है, अगर आज आप मरना चाहते हैं, टूट चुके हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मरने की छोड़ दीजिए, टूटने की विषय में सोचना बंद कर दीजिए। परमेश्वर आपको देख रहा है, लेकिन वो मालूम है क्या कर रहा है, वो सही समय का इंतजार कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम हर चीज आज करना चाहते हैं, हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, हम हर चीज एक ही पल में करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की विशेषता ये है, वो हर चीज अपने समय में, अपने टाइम पर, अपनी युक्ति, अपनी सोच और अपनी मनसा के अनुसार करता है। यदि आज आपके पास नौकरी नहीं है, अब निराश मत होइए, आप प्रार्थना करते रहिए, आप हताश मत होइए, लोगों के धोखे में बहकावे में मत आइए, आप इंतजार करिए। परमेश्वर आप अच्छा सोच रहे हैं, आप इंतजार करिए, प्रभु आपके लिए बेहतर सोच रहा है। आप एक बीमारी से होकर जा रहे हैं, आपको लग रहा है पास्टर जी ने प्रार्थना करी, मेडिकल किया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं हिम्मत मत हारिए, आप इंतजार करिए। प्रभु ने आपको चंगा करने की सामर्थ भेज दी है, लेकिन इंतजार कर रही है वो सामर्थ एक सही समय का। यदि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात को, यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं एक दिन मैं बहुत बड़ी सेवकाई करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी सेवकाई तैयार कर दी है, लेकिन वो मालूम है क्या चाहता है, वो चाहता है आप अपने पासबान के हाथ के अधीन में, परमेश्वर के हाथ के अधीन में रहो, और जब उपयुक्त समय आएगा परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालकर आपको लेकर चलेगा। लेकिन आज के परिवेश में मैं देखता हूं सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो यह है कि इंतजार हम करना नहीं चाहते। न जाने कितने लोग आते हैं, सिर के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं भाई परमेश्वर आपको देश विदेश ले जाएगा, और दूसरे दिन से भाई चला तैयार होकर कहता अब मैं पास्टर के अधीन में रहने की जरूरत नहीं है, अब मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं कहां की तैयारी कर रहा हूं, मैं हवाई जहाज में जाने की तैयारी कर रहा हूं। मूर्खता की बात सोचना बंद करें, प्रभु ने अगर कहा है वो पूरा करेगा। लेकिन आज प्रभु ने आपको क्या जिम्मेदारी दी है, अपने सेवक के परमेश्वर के हाथ के अधीन में रहो। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक बात पे मजबूती के साथ विश्वास करता हूं, मालूम है क्या, यदि आज आप जवान हैं, अगर आपको आज चर्च के भीतर एक काम दिया जाता है कि आप जाकर चेयर साफ करें, चर्च के भीतर आप कुर्सियों को लगाएं, अगर आप कुर्सी लगाते समय अगर आप परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं, अगर आप कुर्सी लगाते समय अगर आप परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु आपने आपकी सेवकाई के लिए मुझे इस काम को दिया, मैं विश्वास करता हूं जो आज कुर्सी लगा रहा है कल वो कुर्सी पर बैठे लोगों को प्रचार भी करेगा। अगर आज परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, आप स्टेज की सफाई करिए, आप खुशी के साथ करते रहिए, प्रभु के समय का इंतजार करिए, लेकिन अपने प्रभु के सेवक और परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ बढ़ते रहो, ताकि उपयुक्त समय पर वो आपको क्या करेगा, वो आपको उठाएगा, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर क्या करता है, आपको मुझे देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तीसरी बात देखता हूं, तीसरी बात में जो देखता हूं उसके जीवन में, और वो ये है, वहां यीशु मसीह जाते हैं, और यीशु मसीह जाने के बाद उसने ना केवल वो मती के पास गया, ना केवल उसने मती को देखा, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट काम जो यीशु मसीह करते हैं, और वो काम ये है, यीशु मसीह ने मती को क्या किया,
यीशु मसीह ने मती को बुलाया। यीशु ने कहा तू क्या कर, मेरे पीछे बोले। क्या लिखा वहां पर, यीशु ने कहा तू मेरे पीछे होले। और बाइबल कहती है कि वो उठकर किसके पीछे हो लिया, यीशु के पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने उसको क्या दिया, एक बुलाहट दी। भाई बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप और मैं अपने जीवन में अगर असफल होना नहीं चाहते हैं, खासकर चर्च के जवान बच्चों से और भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो सेवा करना चाहते हैं, आप परमेश्वर की बुलाहट को आपके जीवन के भीतर पहचानिए। आप दूसरों की बुलाहट के हिसाब से आप करने की कोशिश मत करिए। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था तब मैं किसी को गाते हुए देखता था, तब मुझे लगता था एक दिन मैं भी गाना गाऊंगा। जब किसी को प्रचार करते हुए देखता था मन में आता था एक दिन मैं भी करूंगा। जब किसी को कुछ और करते देखता हूं मैं भी करता था मैं भी करूंगा। जब नाचते हुए देख रहा हूं घर पे सोचता था मैं भी नचाऊंगा। कहने का मतलब ये है जब हम बढ़ते हैं तरह तरह के विचार, तरह तरह की बातें, तरह तरह के लोग आपको मुझे आकर्षित करते हैं। लेकिन उस समय आपको मुझे लोग आकर्षित ना करें, लेकिन आपकी मेरी सोच, आपकी मेरी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु किस काम के लिए तूने मुझे बुलाया और चुना। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर किसी ने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला, मेरी माँ ने सबसे ज्यादा डाला। कोई उसको नहीं जानता था, लेकिन मुझे याद है हजारों लोगों के लिए उसने सवेरे 4 बजे उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करी। कोई सेवक उसको नहीं पहचान पाया, कौन थी कहाँ थी, जब तक मैं गवाही नहीं देता हूं कोई उसको नहीं जानता है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, उसने अपनी पूरी जिंदगी एक रूम के भीतर हजारों के लिए प्रार्थना करने के लिए उसने बिताया। उसकी दूसरी बुलाहट आपको मालूम है क्या है, उसकी दूसरी बुलाहट है इतवार के दिन सवेरे 7:30 बजे, हमारा 9 बजे का चर्च है, वो 7 बजे घर छोड़ती है, जाकर चर्च की सफाई करती है, हेडपंप से पानी भर के सर के ऊपर रखकर लोगों के लिए पानी पीने का इंतजाम करती है। उसके बाद वो घर आती है और फिर जाकर चर्च अटेंड करती है। लोग उससे पूछते हैं सागर आंटी आप कब तक ऐसा करोगी, और वो कहती है मरते दम तक करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे कुछ और नहीं आता, मैं कर सकती हूँ प्रार्थना और दूसरा कर सकती हूँ सफाई कर लोगों के लिए पानी का इंतजाम। भाई बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं आज हमारी सोच बदल चुकी है, आज हमारे विचार बदल चुके हैं। आप सोचते हैं ये बड़ी सेवकाई, प्रचार करना बड़ी सेवकाई, मैं कहता हूं जब स्वर्ग में आप और मैं जाएंगे जितना बड़ा प्रतिफल एक प्रचारक का है उतना ही बड़ा प्रतिफल मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च के भीतर काम करने वाले एक व्यक्ति का भी होगा। कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। जब प्रभु आपको मुझे देखता है परमेश्वर एक दृष्टि से देखता है, सही बात है उसने सेवक को सेवक करके नियुक्त किया, कुछ और जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन आप ये बात मत रखिए, आप ये बात अपने मन से हटा दीजिए कि वो काम बड़ा वो काम छोटा। एक बहन कंप्यूटर संभाल रही है, आपको अगर कहा जाता आप कुर्सी का काम देखिए, आप ये मत सोचिए वो काम बड़ा है। आप और मैं क्यों बड़ा उसको देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की नजर वहां जा रही है। परफॉर्मेंस की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है, हम कुछ करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की परेशानी क्या है, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं प्रभु उनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, जो प्रभु के साथ रहने के लिए चाहते हैं प्रभु उनको इस्तेमाल करने के लिए। दिस व्हाट इज अवर प्रॉब्लम। आज की हमारी समाज की, आज के सेवकों की, मेरे जैसे जवानों की समस्या ये है, हम परफॉर्मेंस चाहते हैं। पर परमेश्वर कहता परफॉर्मेंस नहीं, मैं तेरे साथ पर्सनल होना चाहता हूं। अपनी बुलाहट को आपको मुझे पहचानने की जरूरत है। बाइबिल कहती है जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया, अगर एक व्यक्ति उसमें बना रहे अंत के समय तक वो कभी भी क्या नहीं खाएगा, ठोकर नहीं खाएगा। सो मैं एक चीज देखता हूं और वो ये बात है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें, मेरा सबसे खास एक विषय है बुलाहट के ऊपर बात करना, लेकिन समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा, जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं देखता हूं चौथा काम यीशु मसीह ने एक और उसके लिए किया, और वो काम ये था। पहला काम यीशु मसीह उसको पास जाते हैं, दूसरा प्रभु ने उसको देखा, तीसरा प्रभु ने उसको बुलाहट दी, और चौथा काम प्रभु ने एक और उसके लिए किया। आपको मालूम है वो काम क्या था, मती जैसा था यीशु मसीह ने मती को क्या किया, स्वीकार किया। सब लोग बोले स्वीकार किया, जोर से बोले स्वीकार किया। जैसा मती था वैसे ही यीशु उसको क्या कर लेते गए, अपना लेते। यीशु मसीह ध्यान से सुने, जैसा वो था, लोग उसको पापी करके कहते हैं, लोग उसको चुंगी लेने वाला कहते हैं, लोग वेश्याओं के साथ उसकी तुलना करते हैं, प्रभु को उससे मतलब नहीं है।
प्रभु चाहते थे जैसा वो है वैसे प्रभु ने उसको क्या कर लिया, उसको अपना बना लिया, वैसे परमेश्वर ने उसको अपना लिया, वैसे परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया, वैसे ही परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपको मुझे बहुरूपिया होने की जरूरत नहीं है। आज आपको मुझे मनुष्य के, अगर आप और मैं स्वीकृत्व को चाहते हैं तो हम बहुरूपिया बनने की हमें जरूरत है। हम कई बार जो नहीं है वो हम होकर दिखाना चाहते हैं। दीन तो हम घमंडी है, लेकिन हम दीन बनकर दिखाना चाहते हैं ताकि आगे वाला क्या करे, हमको दीन समझ के ग्रहण करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जाता हूं मैं परमेश्वर के सामने नग्न हूं, लेकिन जब मैं अपने आप को उस पर समर्पित करता हूं, मैं जैसा हूं वैसे मेरा परमेश्वर मुझे क्या करता है, स्वीकार करता है। आप चिंता मत करिए, आप किसी भी समाज से, जात से, पृष्ठभूमि से आप आते हैं, आप जैसे हैं, आप प्रभु में आ गए हैं, परमेश्वर ने आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर ने आपको क्या कर लिया गया, वैसे परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया गया। कुछ दिन पहले कानपुर में एक बात हुई। हमारे एक विश्वासी भाई को कुछ लोग परेशान करने लगे, कहने लगे तुमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, बताओ कितना रुपया मिला। और वो कहता मुझे एक रुपया नहीं मिला है, बल्कि चर्च में आप चलिए पता चलता वहां तो देना पड़ता है। वो कहने लगा नहीं, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो मिला है। प्रेशर डालने लगे, चोट डालने लगे, कहने लगे तुम हमारे घर, तुमको वापस आना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और आपको मालूम है वो भाई उस समाज का, उस गांव का सबसे नीचे जात का कहलाने वाला, जो समाज ने उसको नाम दिया वो था। और घर में क्या होता है, उसके घर में आप घुस नहीं सकते, वो लोग घुस नहीं रहे थे, बाहर ही खड़े होकर उसको बुलाते थे। और तब वो कहता है मैं आपके धर्म में लौट कर आने के लिए तैयार हूं। और तुरंत वो अपनी बीवी को बुलाकर कहता है एक काम करो, जितने लोग आए हैं उनके लिए खाना बनाओ, मेरे लिए बनाओ, हम लोग मिलकर इसी थाली में, इसी गिलास में हम पिएंगे, यहीं बैठकर हम खाना खाएंगे। और जैसे ही खाना खाने की बात वो सुनते हैं, एक 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 करके वहां से भागने लगे। क्यों? बुलाना तो चाहते हैं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, यहां ना आपकी जात पूछी जाती है, ना आपकी बात पूछी जाती है, ना आपकी पृष्ठभूमि पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह देखा जाता है आप परमेश्वर की संतान हैं, यीशु ने आपके लिए खून बहाया और आप उसके लिए एक विशेष एक व्यक्ति है। दैट्स ऑल, बस उतना ही, उससे ज्यादा और कुछ नहीं देखा जाता। क्योंकि आप और मैं जैसे हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें वैसे स्वीकार किया। सो गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट यू एज यू आर, प्रभु भी आपको स्वीकार करता है। तो मेरे कहने का मतलब है, ना केवल परमेश्वर उसको बुलाते हैं, वरन परमेश्वर उसको क्या देते हैं, उसको स्वीकार करता है। पांचवी चीज मैंने जो देखा, मैंने मुझे जो परमेश्वर के वचन से महसूस हुआ और मैं देखता हूं, वो ये है, यीशु ने पांचवा काम मती के लिए किया। आपको मालूम है वो काम क्या है? यीशु मसीह ने इस परेशान, इस मती को अपनी शांति से यीशु ने क्या कर दिया, भर दिया। सब लोग बोलिए शांति से भर दिया, जोर से बोलिए शांति से भर दिया, हालेलुया। क्यों भर दिया? मती परेशान है, उसके मन के भीतर यह चल रहा है मैं एक पापी हूं, उसके मन के भीतर तमाम प्रकार की बात चल रही है, उसके मन अशांत है पूरी तरीके से। लेकिन जब यीशु के पास वो आता है, जब यीशु को उद्धार करता जानकर स्वीकार करता है, प्रभु अपना एक काम करते हैं। और वह काम यह है, प्रभु अपनी शांति से मती को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जैसे जैसे आप और मैं अंत के दिनों में जाएंगे, एक चीज जो शैतान आपके ऊपर, मेरे ऊपर सबसे बड़ा हमला करेगा, और वो ये है, चाहे मैं आप और मैं सेवक हूं या विश्वासी हूं, वो कहीं ना कहीं पर आपकी मेरी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं एक खबर आपको देना चाहता हूं, दुनिया की शांति परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। जब भला होता है तो मन अच्छा लगता है, रात में नींद भी आती है, लेकिन जब बुरा होता है मन खराब हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं, विश्वासियों को दुनिया की परिस्थितियां आपकी मेरी शांति को निर्धारित नहीं करती, आपकी मेरे जीवन की शांति को निर्धारित करता है आपका मेरा उद्धार करता परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका मेरा उद्धार करता परमेश्वर। बाइबिल कहती है, यीशु ने कहा मेरी शांति मैं तुमको देता हूं, जैसे जग देता है वैसी नहीं। क्योंकि जग के साथ प्रभु ने इसलिए तुलना करी क्योंकि जग की शांति के तरफ हमारा बहुत जल्दी ध्यान जाता है, हम बहुत जल्दी उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और प्रभु कहते हैं जैसे वो देता है वैसी नहीं, लेकिन मेरी शांति क्या है,
मेरी शांति उससे बढ़कर है। तुम्हारा मन ना ही व्याकुल हो, ना ही तुम्हारा मन क्या हो, परेशान हो। परमेश्वर पर जैसे भरोसा रखते हो, तुम किस पर भरोसा रखो? मुझ पर भी भरोसा रखो। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंत के समय में, इस परिवेश में जीते समय, हमें हर दिन परमेश्वर की शांति में बने रहने की क्या है? जरूरत है। बाइबल कहती है कि शांति का परमेश्वर अब बहुत ही जल्दी तुम्हारे पैरों के तले शैतान को क्या कर देगा? कुचल देगा। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। क्यों शांति का परमेश्वर कहा गया? वो क्या कर रहा है? पैरों से कुचल तो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से वो क्या है? शांत है। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लहरें आ तो रही हैं, परेशानियां आ तो रही हैं, समस्याएं आ तो रही हैं, आप और मैं शैतान को कुचल रहे हैं, उस पर छल तो रहे हैं, लेकिन मन क्या है? प्रभु के अनुग्रह, उसकी शांति से भरा हुआ। मैं आपसे लगातार, मैंने कहा अपनी गवाहियां भी आपको मैं देता चलूंगा। मेरी मां, मैंने कहा, सबसे ज्यादा प्रभु के बाद उसने मेरे जीवन को आकर्षित किया। पिता मरने के बाद मैंने कहा वो मरना चाहती है, जीवन से अशांत है, सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है। जब ऐसी परिस्थिति से होकर जाते समय, एक पड़ोसी ने मेरी माँ को कहा कि आप हमारे घर आइए, शाम के समय प्रेयर होती है। मेरी माँ प्रार्थना होती है, क्या होती है सोचकर वहां चले गई। उस शाम का समय है, रात का समय है, पास्टर साहब प्रचार कर रहे हैं, प्रचार ये है सब छोड़ सकते हैं, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, सब त्याग सकते हैं, यीशु कभी नहीं त्यागेगा, यीशु मसीह गरीब अनाथ विधवाओं और कंगालों का क्या है? परमेश्वर है। और ये वचन उसके दिल में लगता है, वो प्रभु को नहीं जानती, उसने प्रभु के बारे में अब तक सुना भी नहीं, लेकिन कोई फोर्स कर उसको लेकर जाता है और ये वचन उसके दिल के भीतर बैठता है। और उसी रात के समय वो उसी घर के कोने में बैठकर प्रार्थना करती है, टूटे फूटे शब्दों में कहती है, आप कौन भगवान है, मैं नहीं जानती, मैंने इतना मुझे समझ नहीं है, लेकिन आपका वचन कहता है कि आप गरीब कंगाल अनाथ विधवाओं का ईश्वर है, और आज मैं प्रभु, अगर तू ऐसा प्रभु है, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपती हूं और वादा करती हूं मैं मरते दम तक तेरे साथ क्या रहूंगी? विश्वासियों के रहूंगी। उस दिन वो प्रभु को उद्धार करता जान के स्वीकार करती है। उसके अगले हफ्ते नागपुर शहर में एक बड़ी मीटिंग थी, किसी ने उसको मीटिंग के बारे में बताया, वो मीटिंग अटेंड करने जाती है। और उन दिनों में प्रचारक ने प्रचार किया, प्रचार करने के बाद कहा कौन कौन प्रभु को जीवन देना चाहता है, वो फिर उठकर खड़ी हो जाती है, और तब प्रचारक कहते गए कौन कौन बपतिस्मा लेना चाहता है। उसी दिन वो जाती है, एक ही साड़ी पहनकर गई, उसी साड़ी में जाकर वो बपतिस्मा लेती है, घर पर लौट कर आती है। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब उसकी सोच बदल चुकी है, उसके जीवन का आनंद बदल चुका है, उसकी समझ पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब क्या होता है, वो घर पर लौट कर आती है, मेरी बहन मेरी माँ रात के समय घर पर हैं, झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, दिया जला हुआ था, उन दिनों में हम लोग झोपड़ी में रहा करते थे, मैं और मेरे दोनों भाई, तीन दो छोटे मुझसे भाई, उन दिनों में हम लोग बेकरी में काम करने लगे। बेकरी में काम करने के बाद हम लोग रात के समय लौट कर घर पर आते हैं, कितना बजा था? 12 बजा था। मैं देखता हूँ 12 बजे मेरी बहन घर के बाहर बैठी है और रो रही है, उसका नाम साधना है। मैं उससे पूछता हूँ, मैं उसको कहता हूँ बहन जी क्यों रो रही है बहन? और वो मेरे से कहती है किशोर माँ पागल हो गई। मैंने कहा माँ पागल हो गई कैसे हो गई? वो कहती है पता नहीं किशोर, आज कहीं सुबह से ईसाइयों की मीटिंग में कहीं गई थी और जब से वो आई है पता नहीं क्या हो गया उसको, वो तो पूरी पागल हो गई। मैंने कहा माँ कहाँ है? और वो कहती है किशोर मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है, माँ भीतर है। मैंने बोला चल तू दरवाजा खोल, मैं भीतर जाता हूँ। मुझे अभी भी याद है वो मेरे से लटक गई, कहने लगी दरवाजा मत खोलना, वो पागल हो चुकी है। और अब मुझे अभी भी याद है हम चारों भाई बहन बैठकर दरवाजे के बाहर बैठकर रो रहे हैं और पड़ोसी पूछ रहे हैं भैया क्या हो गया, कौन मर गया? और तब हम कहते हैं माँ पूरी तरीके से क्या हो गई है? पागल हो गई। कुछ देर रोने के बाद तब मैंने हिम्मत बनाई, मैंने कहा बहन तू रोना बंद कर, एक काम करते हैं मैं मिलकर आता हूँ माँ से क्या हो गया। वो मेरे से कहती है नहीं नहीं कुछ भी हो जाए सामने का दरवाजा खोलने नहीं दूंगी। मुझे मालूम था पीछे के दरवाजे से कैसे भीतर का दरवाजा अंदर खोलना। मैं पीछे के दरवाजे से जाता हूँ बाहर से, और दरवाजे से जाने के बाद एक ईंट वहां रखी है उसको हटाकर मैं अपना हाथ डालकर दरवाजा खोलता हूँ। अब मुझे आज भी याद है दरवाजा खोलकर भीतर में जाता हूँ और भीतर मेरे अंदर डर है क्योंकि बहन ने कहा माँ क्या हो चुकी है? पागल हो गई। और मुझे अभी भी याद है वो डर के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे मैं भीतर भीतर जा रहा हूं कांप भी रहा हूं क्योंकि पता नहीं वो क्या फेंक कर मारेगी क्या होगा। लेकिन मुझे अभी भी याद है दो रूम का घर है, पीछे के रूम से अंदर जाता हूं और मुझे अभी भी याद है कितने साल हो गए इस बात को,
25 साल उसके ऊपर हो गए, नबी भी ये बात मेरे ध्यान से उतरती नहीं, और मैं देखता हूं भीतर जाकर वो पलंग के ऊपर बैठी हुई है और इस तरीके से हाथ उसके नीचे गए और वो ऊपर की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ प्रार्थना कर रही है। और जैसे ही उसने किसी के आने का हाथ सुना, मुझे आज भी याद है, जैसे ही किसी के आने का हाथ सुनती है वो उठकर खड़ी होती है और तुरंत उसकी नजर मुझ पर जाती है और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहती है, किशोर तू है? मैंने कहा हाँ माँ। मैंने पूछा मम्मी क्या हो गया? और तब वो मेरे से कहती है, किशोर मेरे जीवन भर मैं रोई हूं लेकिन आज स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह मुझसे कहता गया, मेरी शांति मैं तुझे देती हूँ, मेरी शांति मैं तुझे देता हूँ, मेरी शांति मैं तुझे देता हूँ। और वो मेरे से कहने लगी, किशोर मेरे गम कहाँ गए मुझे नहीं मालूम, मेरे आंसू कहाँ गए मुझे नहीं मालूम, और बेटा तू मेरे पास आ जा। यीशु ने अपनी शांति से मेरे जीवन को भरा। विश्वास करिए, मैंने कभी इतना खुश उसको नहीं देखा। उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान चमक रहा था, मैंने कभी नहीं देखा। अब तो मुझे यकीन हो गया वो पागल हो गई। मैं दरवाजा बंद करके, हम लोग भाई बहन बैठे हैं रात भर बाहर, ये सोचकर मां पागल हो गई। उसके बाद उस चेहरे के ऊपर से कभी भी उस रोशनी को कम होते हुए मैंने अपने जीवन भर नहीं देखा। 4 साल पहले उसका देहांत हो गया। वो अपने विश्वास की कुश्ती लड़कर दौड़ पूरी करके प्रभु के पास पहुंच गई। पूरे परिवार में, खानदान में पहली मसीह मिट्टी हुई। लगभग कई लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां थे। जब हम लोग उनको कब्रस्तान में मिट्टी देने के लिए गए, कब्रस्तान में जब गड्ढा खोदा जा रहा है, मैं वहां खड़ा हूं, मिट्टी लाई गई, और मिट्टी देने के बाद जब हम लोग बाहर आ रहे हैं, तब मैं देख रहा हूं अविश्वासी लोग झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर बात कर रहे हैं। मेरे अंदर डर आ गया। मैंने पूछा क्या हो गया? मैं अपनी बहन से पूछता हूँ ये सब क्या बात कर रहे हैं। वो कहती किशोर पता नहीं, मैं किसी के पास गया बात करने के लिए। जैसी मैं पास जाता हूँ, मुझे अभी भी याद है, हमारे काफी रिश्तेदार जो आए हैं उन सब ने मुझे घेर लिया। आज भी मुझे याद है, मेरा हाथ पकड़कर वो मुझसे कहते हैं, किशोर हमारे जीवन भर, बुजुर्ग लोग मेरे से कह रहे हैं, हमारे जीवन में हमने इतनी मौतें देखी हैं, इतने मौतों को, लोगों को हमने जलते हुए जलाया गया है, देखा गया, लेकिन पहली बार एक ऐसी मिट्टी देखते गए जिसके मरने के बाद भी चेहरे पर चमक है और ऐसा लगता है जैसे शांति से भरी हुई है। क्या है वो शांति? जीते जी आपके साथ रहेगी, मरने के बाद भी आपके चेहरे पर मौत का डर नहीं होगा, शिकस्त नहीं होगी, वो शांति आपको कब्जा करके रखती है। यह है उसकी शांति। न केवल जीते जी आपको संभालती है, वरन मरने के बाद भी आप चाहे कैसे भी आपकी मौत हो लेकिन आपके चेहरे की चमक को कभी कम नहीं होने देगी। वो है प्रभु की शांति, जिस शांति के बारे में वो बात करता। और उसी शांति को उसने किसको दिया? उसी शांति को उसने मती को दिया। उसी शांति से उसने मती के जीवन को भर दिया। एक और चीज मैं देखता हूं, जल्दी जल्दी बोलना चाहूंगा। और उसके बाद ना केवल वो शांति देता है, वरन यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और बुलाकर उन्हें दुष्टात्माओं के ऊपर क्या दिया? सामर्थ दिया, अधिकार दिया। और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूं, और वो ये है कि यीशु मसीह ने उसे प्रेरित करके उसे घोषित किया। क्या होता है प्रेरित का मतलब? प्रेरित का मतलब एक वो व्यक्ति जो भेजा गया है। और यीशु ने अपनी सेवकाई के लिए मती को क्या किया? भेज दिया। जो नए लोग आए आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके संग है। आप परेशान मत होइए, आप व्याकुल मत होइए उद्धार को लेकर, आप निश्चिंत रहिए प्रभु की शांति, प्रभु के उद्धार, प्रभु की मुक्ति को लेकर। अब यहां पर क्या होता है, जिस दिन मैं बैठकर बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर का वचन कुछ बातों के ऊपर एकदम से मेरे दिल को उभारने लगा। ये तो वो काम थे जिन्हें यीशु मसीह ने किसके लिए किया? मती के लिए किया। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक चीज पर मैं पहुंचता हूं, वो ये है मती यीशु मसीह के लिए इतना दीवाना हो गया, जब मती रति सुसमाचार को वो लिखता है, प्रभु के प्रेम के आगे, प्रभु ने उसके लिए जो किया था वो इतना बड़ा था, जब वो अपनी किताब लिखते समय वह भी प्रभु के लिए कुछ बड़े कामों को करता गया और उन कामों को हमेशा के लिए क्या करता गया? भूल जाता है। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कुछ बातों को याद रखने के लिए कहती है और कुछ बातों को भूल जाने के लिए कहती है। जो आप प्रभु के लिए करते हैं, बाइबल चाहती है आप उसको भूलते चले जाएं, लेकिन जो परमेश्वर आपके लिए करता है, बाइबल चाहती है आप उस बात को क्या करते रहें?
हर समय स्मरण करते रहें। आज आपने जो भी दान दिया आप देकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, प्रभु इसका निश्चय आपको प्रतिफल देगा। अब इस बात के बारे में प्रभु के ऊपर छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ जाइए। आप ये मन से निकाल दीजिए अब उसका क्या होगा, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, वो परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार करेंगे। लेकिन आप आगे की तरफ बढ़ जाइए, आपने जो प्रभु के लिए किया, लेकिन जो आशीष आप यहां से लेकर जाएंगे, आप उस आशीषों को अपने जीवन में कभी क्या मत करिए, भूलिए नहीं। मती ने भी कुछ ऐसा किया। चार बातें मैं अगले 15 से 20 मिनट के अंदर अपने संदेश को विराम दूंगा। चार बातें मती ने यीशु मसीह के लिए की, और खासकर चर्च के लीडर से अब मैं बात करना चाहता हूं। चार महत्वपूर्ण बात। जब यीशु मसीह के लिए मती कर भूल गया, जो प्रभु ने किया उसको स्मरण रखता है, लेकिन जो उसने किया उसको हमेशा के लिए मती भूल गया। अब मैं चाहता हूं हम लोग मिलकर पढ़ें मती की किताब अध्याय 9। अब कुछ आयतों को हम लोग बदल बदल कर पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 उसकी 9 आयत लिखा है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर किसके पीछे हो लिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ध्यान से सुने, मती अपने बारे में लिखता, कहता है वहां से आगे यीशु मसीह बढ़ते गए, उन्होंने मुझे देखा और मेरे पीछे होने की मुझसे कहते गए मेरे पीछे हो ले, और मैं सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के क्या हो जाता हूं, मैं पीछे हो जाता हूं। लेकिन आइए अब हम देखें, जब आप और मैं, सुनिए ध्यान से, जब आप और मैं मती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब पढ़ते गए, ये तीनों किताबें एक ही कहानी को कई बार रिपीट करती है। जो मती कहता है उसी बात को मरकुस में कहा गया, जो मरकुस में कहा गया उसी बात को लूका में कहा गया। बिब्लिकल भाषा में या बाइबल की भाषा में इन तीन किताबों को स्नॉप्टिक करके कहा जाता है। स्नॉप्टिक का मतलब होता है समदर्शी सुसमाचार, एक जैसी बात। जो मती ने दोहराई उसी को मरकुस दोहराता है, जो मरकुस ने दोहराया उसी बात को कौन दोहराता है, लूका दोहराता है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो यीशु मसीह की यहूदी या प्रांत की जो सेवकाई है उस सेवकाई को ज्यादा से ज्यादा उसको बताता है। लेकिन आइए, यहां पर मती कहता है यीशु ने मुझे देखा और देखकर मुझसे कहता चल, और मैं उसके पीछे क्या हो जाता हूं, चला जाता हूं। लेकिन आइए मरकुस की किताब अध्याय 2 उसकी 13 और 14 आयत हम लोग निकाले। वहां क्या लिखा है, लिखा है फिर वह निकल के झील के पास गया और सारी भीड़ उसके पास गई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। ध्यान से सुने 14 आयत, जाते हुए उसने हलफे के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके क्या हो लिया, पीछे हो लिया। ध्यान से सुने, मती कहता है जब वो गया उसने मती नामक एक व्यक्ति को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और कहा मेरे पीछे हो ले। लेकिन इसी बात को जब मरकुस ने दोहराया, मरकुस क्या कहता है, मरकुस उसमें कुछ चीजों को और जोड़ता है, और मरकुस कहता है उसका 14 पर जाते हुए उसने हलफे के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर क्या करते हुए देखा, बैठे हुए देखा। लेकिन ध्यान से सुने क्या, और वहां लिखा गया उसके पिता का नाम क्या है, हमको मालूम पड़ता है उसका पिता का नाम हलफई। हमको यहां मालूम पड़ता है उसका एक और उसका निकनेम था जिस नाम से वो जाना जाता है, और वो नाम क्या है, वो नाम है लेवी। लेकिन मती लिखते समय वो उस बात को नहीं लिखता, उस बात को परमेश्वर का आत्मा मरकुस के द्वारा लिखाता गया। अब ध्यान से सुने क्या था फर्क, जब मती अपने बारे में लिखते समय जो पहली चीज मती जो भूल जाता है, हमेशा के लिए छुपा देता, आपको मालूम उसने क्या छुपाया, उसने छुपा दी अपनी पहचान। कौन सी पहचान, एक बार मैं हलफई के बारे में ढूंढ रहा था, गूगल पे ढूंढा, यहां ढूंढा, पुरानी किताबें निकालकर, लगभग 600 किताबों का मेरे पास कलेक्शन है, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और एक दिन मैं पीछे पड़ गया हलफई कौन है, और तब जाकर मुझे हलफे के बारे में मालूम पड़ता है, मती के पिता के बारे में, और एक छोटा सा लेख उसके बारे में मेरे हाथ में आता है, और वो लेख कहता है हलफई उन दिनों में राजनीति में एक विशेष स्थान रखने वाला एक व्यक्ति था। इसका मतलब यह है मती एक साधारण परिवार से नहीं आता है, मती आता है एक राजनैतिक बड़े परिवार से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति का वो क्या है, बेटा है। और यह भी बताया गया
उसको लोगों ने लेवी नाम दिया क्योंकि मती से ज्यादा वो लेवी नाम से मशहूर था, प्रचलित था, क्योंकि लेवी जैसे लोग नाम लेते थे तुरंत उसके नाम को उसके पिता के साथ जोड़ दिया जाता था और उस फादर के साथ मती का भी नाम वहां पर लिया जाता है। अब ध्यान से सुने, जब वो प्रभु में आया सबसे पहला काम मती ने किया, परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है, उसने अपनी पुरानी पहचान उस नाम को हमेशा के लिए छुपा दिया। वो कहता अगर अब कोई मुझे जानता है एक ही नाम से मुझे जाने और पहचाने और वो ये है मैं पापी था, चुंगी लेने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, लेकिन मुझ जैसे पापी को यीशु ने आकर उद्धार दिया। मती हमें तेरे बाप के बारे में बता, वो कहता गए उसके बारे में पूछना है तो मेरे पास समय नहीं है, अगर मेरे उद्धारकर्ता के बारे में पूछना गए मैं तुमको बताना चाहता हूं। मैं एक बात देखना चाह रहा हूं, जैसे अंत के समय में एक श्राप बोला जाए या क्या बोला जाए मुझे शब्द नहीं मिलता, एक चीज कलीसिया में बढ़ते चले जा रही है, मुझे नहीं मालूम यहां पर है कि नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं यूपी की कलीसियाओं में लोग ब्राह्मण परिवार से लोग कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, लोग ठाकुर परिवार से कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, लोग अलग अलग परिवारों से कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन चर्च में आने के बाद भी उनका पुराना समाज उनका सर चढ़कर बात करता है। जब वो किसी से हाथ मिलाते गए ये उन कहने में उनको एक बार शर्म आएगी, मैं यीशु का प्रचारक हूं, यीशु मसीह को मैं जानता हूं, लेकिन वो अपना परिचय देते हैं, मैं फलाने खानदान में पैदा हुआ, पंडित था, ये था और मेरा नाम ये है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो कोई चीज अगर यीशु के नाम से तेरे नाम को बड़ा करती है, आज परमेश्वर तुझसे कहता है छुपा दे उस बात को, क्योंकि अगर अब तुझमें कोई बात दिखाई दे वो एक ही बात दिखाई दे, तू पापी था, यीशु ने अपनी दया के कारण तुझे क्या कर लिया, यीशु ने तुझे बचा लिया। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो दिन सुबह से लेकर शाम तक यही गिनते रहते हैं, उस कलीसिया में कितने दलित गए हैं, उस कलीसिया में कितने नीची जाति के गए हैं, उस कलीसिया में कितने ऊंची जाति के गए हैं, और अपने बारे में कहते हैं हम रजवाड़े खानदान से आते गए, हम राठौड़ परिवार से आते गए। कौन पूछता है तेरे राठौड़ और रजवाड़े परिवार के बारे में, प्रभु ने तुझे बचा लिया, धन्यवाद कर इस बात के लिए, लेकिन घमंड करना है तो इस बात पे कर कि तू जीवित परमेश्वर को जानता है, उद्धारकर्ता को मानता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तू पीछे चलता गए, जो हो गया तो हो गया, जो बीत गया तो बीत गया, उसको छुपा दे। तेरी एक नई पहचान बन चुकी है, नई पहचान ये है प्रभु ने मुक्ति देकर उद्धार देकर तुझे बुला लिया, तुझे खड़ा कर दिया। मती कहता है अब मेरे लिए घमंड की बात वो नहीं है, मेरे लिए घमंड की बात तो यही है मैं पापी था और मुझ जैसे पापी को प्रभु देखकर कहते हैं मेरे पीछे आ जा। भाई बहनों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मूसा महान अगुआ था, मूसा की जैसा अगर किसी से एक बार मेरी बात, किसी ने कहा परमेश्वर के दास नगर बाइबिल के आप बड़े बड़े चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार देखते गए, चमत्कार की मैं बात कर रहा हूं, हम मानते हैं सबसे बड़ा चमत्कार पापी का मन फिराना है वो तो सही है, लेकिन चमत्कार किसी प्रभु के दास के द्वारा हुए, आपको मालूम है सबसे बड़ा अगर चमत्कार आंका जाता है तो लोग कहते हैं लाल समुद्र का क्या हो जाना, तो भाग हो जाना। लेकिन जब वो मूसा मर गया, मरने के बाद क्या नाम से वो जाना जाता है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला। प्रभु जब यहोशू के पास आकर बात करता गए, वो वचन मेरे दिल की बहुत निकट है, मैं कहना चाहूंगा कृपया आप उस वचन को हम लोग देखें, यहोशू की किताब अध्याय एक और उसकी एक आयत, वो वचन मुझे बहुत ज्यादा स्पर्श करता है। यहोशू की किताब अध्याय एक उसकी एक आयत लिखा गया, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से कहा जो नून का पुत्र था। यहोशू की किताब अध्याय एक उसकी एक आयत, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, और तब वो कहता गया मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ और कमर बांध और इस प्रजा को समेत यर्दन के पार उस देश की ओर ले जा, अर्थात इसराइलियों को जो मैं देता हूं। बाइबल कहती है कि प्रभु आकर यहोशू से कहता है लाल समुद्र को जिसने दो भाग में कर दिया मेरा दास मर गया, क्या प्रभु ने यह कहा वो मूसा मर गया, जिसने चट्टान से पानी निकाला क्या वो मूसा मर गया,
भाई और बहनों, प्रभु आपके लिए मेरे लिए जो चमत्कार करता है वो सही है। प्रभु हम जैसे दीन लोगों को, प्रभु हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करता समझ के परे गए हमारे भी, लेकिन आपकी मेरी छाप जिस बात से छूटती है, आपने मैंने क्या किया उससे नहीं, आप और मैं कैसे जिए उससे। आपने मैंने क्या किया, आपके मेरे द्वारा अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जी उठे, ये तो सही बात है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु मालूम है क्या याद रखता है, आप और मैं कैसे जिए। आज आप और मैं ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर क्या किया वो लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है, कैसे जिया उससे लोगों को मतलब नहीं, कौन कैसे जी रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कौन क्या करा जा रहा है उससे मतलब है। लेकिन प्रभु का गणित कुछ उल्टा है, वो कहता है कौन क्या करता है मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कौन कैसे जीता है उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। सेवकों, कलीसिया के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस चर्च के लीडर्स में आपसे कहना चाहता हूं, आपकी मिनिस्ट्री आप जो करते हैं वो नहीं, आपकी मेरी मिनिस्ट्री वो है जो आप और मैं जीते हैं। आपकी मेरी सेवकाई वो नहीं है जो आप और मैं प्रचार करते हैं, लेकिन आपकी मेरी सेवकाई कैरेक्टर के भीतर छुपी है जो आप और मैं प्रभु के नाम से जीते हैं। बोलने दीजिए एक व्यक्ति मुर्दों को जिंदा करता है, हो जाने दीजिए उसकी जय जयकार, लेकिन जब मैं स्वर्ग में जाता हूं तो मैं एक ही बात सुनना चाहता हूं, मेरे विश्वास योग्य सेवक, मेरे विश्वास योग्य दास, तू मेरे साथ विश्वास योग्य रहा। भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज के समय आपसे मुझसे चाहता है, आइए अब उसके दास बनकर जिए, उसके सेवक बनकर जिए। प्रभु आप और मुझ में उस दासत्व को बढ़ाना चाहता है। आइए जो चीजें आपको मुझे चकाचौंध करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, एक पल के लिए उन्हें रोक दीजिए, और प्रभु से आपकी मेरी यही प्रार्थना हो जाए, प्रभु जी जीवन में मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मैं एक नाम जो तेरे मुंह से लगातार सुनते रहना चाहता हूं, और वो है मेरे विश्वास योग्य दास। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए, प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, सब किए, लेकिन जब आप और मैं उसके पास गए, आप और मैं खड़े गए, और वो आपको कहता गया, आ जा मेरी विश्वास योग्य दासी, मेरी बेटी, मेरी दासी मेरे पास आ, और मेरे से कहता किशोर तू इधर आ, क्या बीतेगा मेरे दिल पर। मैं कहूंगा प्रभु मैंने बड़े बड़े काम किए, प्रभु कहेगा तूने बड़े बड़े काम किए वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने जो कहा क्या तूने वो किया। मूसा के पास लोग आकर कहते हैं हमें पानी चाहिए, मूसा प्रभु के पास जाकर कहता प्रभु तेरे लोग पानी मांगते मैं क्या करूं, प्रभु कहता है इनके देखते देखते चट्टान से तू बात कर, चट्टान पानी देगी, और मूसा गुस्से में गए, वो जाकर चट्टान में दो बार पानी मारता है, क्या पानी निकला नहीं निकला, निकला, लोग पीकर तृप्त हुए नहीं हुए, हो गए, लेकिन फंसा कौन, मूसा। मैं सोचता हूं मूसा कहता होगा प्रभु पानी निकला था ना, प्रभु कहता मूसा तेरे लिए पानी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है जो मैंने कहा क्या तूने किया। मैं कहूंगा प्रभु लोगों ने आशीष पाई, प्रभु अंधे देखे हैं, लंगड़े चले हैं, प्रभु तेरे नाम से मुर्दे जी उठे हैं, प्रभु कहता वो सब ठीक है, लेकिन क्या मैंने जो करने के लिए कहा था क्या तूने वो किया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज वी आर ग्रोइंग, जब हम लगातार बढ़ते चले जाते हैं, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट होना, ये बहुत तेजी से आपको मुझे खींचता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हमारी बुनियादी बात कभी हमसे अलग ना हो जाए, हमारा बुनियादी फाउंडेशन कभी हमसे अलग ना हो जाए, और मेरी पहचान ये है मैं परमेश्वर का क्या हूं, दास, मैं परमेश्वर का दास। अगर आप कभी डॉक्टर पीजी वर्गीस के अगर आप घर पर आएंगे, आप देखेंगे उनके फ्लैट के बाहर, आप देखेंगे जज रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, बड़े बड़े लोग, उनका डॉक्टर किसी के सामने कुछ कुछ लिखा है, लेकिन जब आप उनके घर पे सामने जाएंगे, मैंने कल पास्टर को दिखाया था, वहां लिखा गया पीजी वर्गीस, लिली वर्गीस, यीशु मसीह का प्रचारक। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नींव आपसे मुझे कभी अलग ना हो जाए। चर्च के लीडर्स आपको कहा जाएगा, वर्शिप लीडर कहा जाएगा, लीडर शब्द लग जाता है, यहां प्रॉब्लम नहीं है, यूपी में पता नहीं बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया को लीडर बोलने दो, रेवरेंट बोलने दो, पास्टर बोलने दो, लेकिन मेरी पहचान मेरी प्रभु की नजरों में क्या है, मैं उसका सेवक हूं, दैट्स ऑल, हालेलुया। और यहां पर मती वही करता है, जो पुरानी पहचान, पुराने नाम जो उसके पिता उसके माँ बाप ने दिया, वो सब कुछ छुपा कर क्या कहता है, आपसे कोई मुझे जाने तो एक ही नाम से जाने, और वो नाम है मैं कौन हूं,
मैं यीशु मसीह का हूँ, मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ। मैं चाहता हूँ दूसरी बात हम लोग और देखें, जल्दी जल्दी बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ। और मैं जब भी इस बात को बोलता हूँ मुझे बहुत अधिक उत्साहित में हो जाता हूँ। लेट्स कम बैक ऑन मैथ्यू चैप्टर 9, मत्ती अध्याय 9, उसकी 9 आयत लिखा गया। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक व्यक्ति को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। उसके 10वें पद में लिखा गया, जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ क्या करने लगे, खाना खाने लगे। जिस बाइबल को मैं इस्तेमाल करता हूं वहां पर नाम नहीं दिया किसके घर में बैठा, लेकिन जब आप इंग्लिश बाइबल इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश बाइबल में लिखा है व्हेन ही सैट इन द मैथ्यूज हाउस, जब वो मती के घर में बैठा। और लिखा गया भोजन करने के लिए बैठा, बहुत से महसूल लेने वाले पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ क्या करने लगे, खाना खाने लगे। इसका मतलब यह था मती के तुरंत उद्धार के बाद उसने सबसे पहला एक बड़ा काम किया था, और वह काम यह है उसने यीशु मसीह और चेलों को और बाकी के लोगों को बुलाकर क्या दे दिया, एक छोटा सा खाना दे दिया। और हिंदी बाइबिल के अगर अनुसार मैं बात करूं तो वो अपना नाम भी नहीं बताता, इंग्लिश में वहां पर लिखा वेन ही सेट मैथ्यूज हाउस, लेकिन हिंदी बाइबिल के अनुसार मैं बात करता हूं तो अपना नाम भी नहीं देता है। वो कहता है जब वो किसी के घर में खाना खाने बैठा और वहां पर और भी बहुत सारे लोग आए। लेकिन जब आप और मैं इस बात को लूका के द्वारा देखते हैं, आइए हम देखें लूका क्या कहता है। लूका चैप्टर 5 उसकी 29वीं आयत, 28वीं या 29वीं आयत, 29 आयत क्या लिखा, अध्याय 5 उसकी 29 आयत। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ वहां थी। ध्यान से सुने, जब वो अपने बारे में लिखता है मती की किताब में भीड़ का जिक्र नहीं करता, वो कहता है यीशु और उसके चेले और चुंगी लेने वाले वहां पर आकर क्या करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन लूका कहता है नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट कंप्लीट ट्रूथ, ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये जो खाना हुआ था ये कहां पर हुआ था, वो कहता है ये खाना, मती का नाम नहीं कहता, वो कहता है ये खाना लेवी के घर में हुआ, ठीक है। और वो कहता है लेवी ने क्या किया था, छोटा नहीं दिया है, उसने एक बड़ा, इंग्लिश में लिखा बैंकवेट, उसने लिखा बड़ा क्या दिया, भोज दिया। और बड़ा भोज दिया, क्यों दिया, ताकि बड़ी भीड़ को वो वहां पर क्या कर सके, खाना खिला सके। ध्यान से सुने विश्वासी भाई बहनों और जितने लोग सुनने वाले हैं, दूसरी चीज जो मती की लाइफ मुझे सिखाती है, उसने जो कुछ परमेश्वर के लिए बड़ा किया, आपको मालूम है उसने क्या किया, उन सारी बड़ी बड़ी बातों को उसने हमेशा के लिए छुपा दिया। अपने बारे में कहता यीशु मसीह आया घर में खाना खाने बैठा। मैं हिंदी बाइबल के हिसाब से बात करूं, वो नाम भी नहीं बताता, वो कहता आया था खाना खाया था, कुछ लोग आए थे खाना खा के चले गए। लूका कहता है झूठ, बहुत बड़ा खाना था। आज की मानसिकता क्या है भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम सब नाम के खोजी है। मैं कई लोगों को देखता हूं, मैं कुछ चर्चेस में जाता हूं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं देखता हूं जब पंखा भी घूम रहा होता है ना उसके ऊपर भी लिखा रहता है फलाने परिवार की तरफ से सप्रेम भेंट। बाइबिल कहती है अगर तेरे दिखावे के, अगर जो तू करता है उसके लिए अगर तेरी तारीफ हो गई तो स्वर्ग से फिर तुझे क्या नहीं मिलेगा, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर पंखे की हवा लोग खा रहे हैं और कहते हैं अरे भैया स्वर्ग से, भैया फलाने फलाने परिवार की ओर से, लोग कहेंगे बहुत बढ़िया परिवार है, प्रभु कहता है फिर तेरा प्रतिफल धरती पर मिल गया, स्वर्गीय पिता से कोई उम्मीद ना कर। आज सवेरे मैं बाइबिल पढ़ रहा था और प्रभु का वचन कहता है जब तू दान करे तो एक हाथ देता है तो दूसरा हाथ भी क्या ना करने पाए, जानने ना पाए, अर्थात जब तू देता है तो उसको क्या कर, कोई दूसरा व्यक्ति जानने ना पाए। भाई बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मेरी मानसिकता क्या है देते समय। मैं देखता हूँ चर्च के भीतर लोग देखते समय, कभी कभी अगर कोई प्रोग्राम होता है, मैं अपने चर्च की बात कर रहा हूँ, कानपुर की बात कर रहा हूँ, अगर लिस्ट में रखा जाता है भैया इस बार एक प्रोग्राम है आपको 200 रुपए देना है, नाम लिया गया। कुछ लोग चर्चेस में मैंने देखा, हमारे चर्च में लोग नाम पढ़ते हैं, भाई फलाने परिवार ने इतना दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अगर एक का भी नाम छूट गया छुट्टी, अगले हफ्ते आप उस व्यक्ति को कहाँ नहीं देखेंगे, चर्च में नहीं देखेंगे। क्यों, लिस्ट में किसका नाम नहीं आया,
हमारा नाम लिया है। भाई और बहनों, आपके मेरे लिए काम महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर काम के हिसाब से प्रतिफल नहीं देता। उसके पीछे जो आपका मेरा उद्देश्य है, वो उसके हिसाब से प्रतिफल देता है। मेरे लिए काम महत्वपूर्ण है, मैं जो करता हूं, मैं कहता हूं मेरे काम के हिसाब से परमेश्वर मुझे देखता है। मैं कहता हूं तेरे काम से अधिक परमेश्वर तेरे उद्देश्य से तुझे क्या करता है, नापता है। उदाहरण के लिए, मैं कितने लोगों को अपनी चर्चेस में मैंने जाते हुए देखा है। कई बार ऐसा हुआ, मैंने कहा बेटा आप अगले संडे गीत गाना, उन्होंने कहा ठीक है। अगले संडे कोई प्रचारक आ गया, मैंने कहा बेटा आप इस संडे गीत नहीं गा पाओगी। और तब मैं देखता हूं पूरा परिवार व्यस्त अस्त व्यस्त हो गया, पूरे आराधना में वो लोग घूर कर देखते रहे। आराधना के समय कहा गया ताली बजाओ, सब बजा रहे हैं, उस घर के लोग बजाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारी बेटी को गीत गाने के लिए मौका नहीं मिला। सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उनका हाथ नहीं उठ रहा है। और आखिरी में बाहर जाकर कहते हैं पास्टर जी सलाम, आज के बाद हम आपकी चर्च नहीं आएंगे। पास्टर पूछते क्यों नहीं आएंगे, कह रहे हमको बताने की जरूरत नहीं, हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, हमारी बेटी को गाना गाने नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका उद्देश्य यह था आपकी बेटी वहां खड़े होकर प्रभु की महिमा करती, अगर आपकी मंशा यह थी, अगर उसको मौका मिले ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मंशा यह है आपकी बेटी कुछ कर दिखाए, लोग देखें, थालियां बजाएं, तो फिर यह चीज आपके दिल में घाव करेगी। चर्च में आते समय हमारे उद्देश्यों को हमें सही करने की जरूरत है, हमारे पर्पस को हमको सही करने की जरूरत है। मुझे मौका मिले ना मिले, मैं इसलिए नहीं आता हूं ताकि मुझे सामने जाकर मौका दिया जाए। नहीं, मुझे मौका मिले ना मिले, मेरी भीड़ में मेरा परमेश्वर मेरे हाथों को क्या कर रहा है, देख रहा है। मुझे माइक मिले ना मिले, मुझे माइक मिले ना मिले, लेकिन अगर भीड़ के बीच में मैं टूटी फूटी आवाज में गा रही हूं, मेरा परमेश्वर पास से मुझे क्या कर रहा है, मुझे सुन रहा है, उतना मेरे लिए काफी है। अगर आप ये मानसिकता के साथ आना शुरू करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत आपकी आशीषों को रोक नहीं सकती। आज लेकिन परेशानी की बात है, चर्च में हमारी मानसिकताएं बदलते जा रही हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलते जा रही हैं, हमारी सोच बदलते जा रही है। आज उसकी महिमा से ज्यादा आप कहीं ना कहीं आपका मेरा ध्यान आपके मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर, कुछ करके दिखाने के ऊपर हो गया। नहीं भाई और बहनों, हमें अपनी मानसिकता को बदलना है, हमें अपनी सोच को बदलना है। मैं जब ये देख रहा था, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कोशिश करें, जब आप कलीसिया के लिए देते हैं आप बेस्ट दें, आप जब प्रभु के भवन के लिए देते हैं आप बेस्ट दें, आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं आप उत्तम दें, आप परमेश्वर के लिए राज्य के लिए जब आपको देने के लिए कहा जाता है आप अपना बेस्ट दीजिए और बाकी का काम परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। हालेलुया, बाकी का काम परमेश्वर आपके लिए करेगा, बाकी का काम परमेश्वर आपके लिए करेगा। जब मैं बैठकर सोचने लगा, परमेश्वर ने मुझे एक और विचार इसके ऊपर दिया, मैंने मेरे मन में विचार आया क्यों उसने बड़ा भोजन दिया। जब ये देखते समय तीन बातें मेरे मन के अंदर आई, मालूम है उसने बड़ा भोजन क्यों दिया, क्योंकि मती ने बड़ा भोजन इसलिए दिया, उसको मालूम था जितना बड़ा भोजन दूंगा उतनी बड़ी भीड़ यहां पर आ जाएगी। उसने कहा सबको आ जाओ भैया, शाम के खाने की चिंता मत करना, मीटिंग में आ जाना, यीशु मसीह है और सबके खाने का इंतजाम कौन करेंगे, मैं करूंगा। भीड़ वहां पर आ गई, और कौन लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा आए हैं, बाइबल कहती है चुंगी लेने वालों की और अन्य इसके साथ के लोगों की, क्या ही वहां पर बड़ी भीड़ आई। आपको मालूम है चुंगी लेने वालों की क्यों बड़ी भीड़ वहां पर आई थी, क्योंकि मती खुद कौन था, चुंगी लेने वाला था। अब मती को मालूम था अगर इस भीड़ को अगर कोई बुला सकता है, यीशु मसीह से बढ़कर और चेलों से बढ़कर कौन बुला सकता है, मैं। यीशु मसीह से बढ़कर मतलब है यीशु ने उसको जिम्मेदारी दी है। याद रखिए, जिस समाज से आप निकल कर आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आप निकल कर आते हैं, आप ये मत सोचिए हमेशा पास्टर वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, जब आपको प्रभु ने पहला व्यक्ति करके चुना है, प्रभु मालूम है आपसे क्या चाहता है, आप वहां से अकेले मत आइए, एक भीड़ को भी साथ में खींच कर लेकर आइए। आप अकेले मत आइए। अगर आप कहते हैं, ये कहते हैं कि मेरे समाज से मैं अकेला विश्वास में आया हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मुझे आप पर हंसी आती है। आप ऐसे मत बनिए, जब आप अपने समाज से प्रभु आपको निकालता है, आपकी प्रार्थना हो प्रभु जितनी भीड़ हो सके मैं खींच कर कहां लेकर आना चाहता हूं, तेरे भवन में। और वो जिम्मेदारी आपकी है। आप कोई भी समाज के क्यों ना हो, आप कहीं से भी क्यों ना आए हो, आप किसी भी गांव के क्यों ना हो, अगर एक गांव से परमेश्वर ने आपको चुना है, आप कहें मेरे गांव में कोई विश्वासी नहीं है, आप बैठकर किसी और की उम्मीद मत करिए। बहन, प्रभु ने तुझे इसलिए वो गांव में से चुना है ताकि वो पूरा गांव कहां पर आ जाए, तो पूरे गांव को खींच कर लेकर आए।
ये मत सोच तू कैसे लेकर आएगी, लेकर आना उसका काम है, तेरा और मेरा तो काम यही है कि जाकर सुसमाचार को प्रचार करना है। हालेलुया। मैं और आप किसी को बदल नहीं सकते, अगर बदल सकते तो कितनों को बदल देते। हमारा काम है सुसमाचार सुनाना, प्रभु के अनुग्रह से उनको चर्च में लेकर आना, और बाकी का काम परमेश्वर अपने काम को पूरा करेगा। सो यहां मैं देखता हूं, उसने एक बड़ी भीड़ वहां पर बुलाई। जब मैं बैठकर सोच रहा था क्यों उसने बड़ी भीड़ बुलाई, मैं जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा। तीन बातें मेरे मन के अंदर आती है। पहली बात, जब बड़ी भीड़ बुलाई, यीशु मसीह है, उसके चेले हैं, मती सबको हाथ मिलाकर भीतर ले रहा है, बड़ी भीड़ वहां खड़ी है। आपको मालूम है मती कहां खड़ा होगा उस समय? यीशु के पास, यीशु के साथ। बाकी लोग पापी हैं, बाकी लोगों को वेश्याओं के साथ तुलना की जाती है, अलग अलग उनके लिए बात बोली जाती है, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, लेकिन मती का चेहरा उतरा हुआ नहीं। मती क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। क्यों? मती कहना चाहता है, अगर ये आनंद तुम भी प्राप्त करना चाहते हो, यीशु मसीह का दिया हुआ ये आनंद मेरे पास है। दूसरा, अपने आनंद को पहला वो दिखाना चाहता है। दूसरा, ये उसकी फेयरवेल पार्टी है। उसके बाद वो कहता है, अब से मैं ना घर का ना घाट का कहीं का नहीं हूं, अब से मैं किसका हूं? मैं सिर्फ यीशु मसीह का। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जब उसने खाना दिया, मालूम है क्यों दिया? उसने खाना इसलिए दिया, वो कहना चाहता है, अगर तुम भी इसी आनंद को चाहते हो, तुम भी इसी खुशी को चाहते हो, तुम भी अगर पाप से छुटकारा चाहते हो, यीशु यहां पर गए, उसके ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर ने जो मुझे दिया वो किसको देगा? वो तुम्हें भी देगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसका बड़ा खाना, उसका बड़ा सब कुछ, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, वो आत्माओं को जीतना चाहता है। तीसरा बात वो हमेशा के लिए भूल जाता है। मैं चाहता हूं मत्ती की किताब, यदि अध्याय 10 उसके 3 आए, जल्दी जल्दी जल्दी, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 3, 10 का 3, वहां पर आप और मैं यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम देखते हैं। नाम है फिलिपुस, बर्तुलमै, थोमा, और मांस लेने वाला मत्ती, हल्फे का पुत्र याकूब, तद्दै, शमौन किनौनी, यहूदा इस्करियोती, जिसने उसको क्या कर दिया? पकड़वा भी दिया। यहां पर आप और मैं देखते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों का क्या है, यहां पर नाम है। सबसे पहले शिमौन पतरस का नाम है, उसके बाद आप और मैं तमाम नामों को देखते हैं। यही लिस्ट लूका भी देता है, लेकिन आइए हम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब आप लूका में देखेंगे और जब आप मती में देखेंगे, आप दोनों में फर्क पाते हैं। लूका की किताब अध्याय 6 उसकी 13 से लेकर 15 आयत तक, बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 उसकी 13 से लेकर 15 आयत। जब दिन हुआ आप उसका 14 से पढ़ सकती हैं बहन, ज्यादा समय बचाने के लिए। और वे ये है शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिप्पुस, और बर्तुलमै, और मत्ती, और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और शिमौन जो जेलोतेस कहता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा का इस्करियोती, जो उसका पकड़ने वाला बना। बस ध्यान से सुने, अगर आप एक सुसमाचार जो क्रमबद्ध समझना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे वो कौन सा, और मैं आपसे कहूंगा लूका की किताब, क्योंकि लूका कहता है उन बातों को मैंने क्रम के अनुसार लिखना शुरू किया। इसलिए यीशु के जन्म से पहले से गब्रियल स्वर्गदूत भेजा जाता है, और जकरिया और उसकी पत्नी के बारे में लिखते हुए वो क्रम से एक एक चीज को लिखते हुए आता। ध्यान से सुने, अब ये क्रम में आप देखते समय वो 12 चेलों का नाम भी देता है, लेकिन जब आप मत्ती के 12 चेलों में की लिस्ट के साथ इस लिस्ट को आप कंपेयर करते हैं, आप एक नाम है जिस नाम के साथ हेर फेर की गई। हेर फेर का मतलब है एक नाम जिसके साथ मत्ती एडजस्टमेंट करता है, या आप एडजस्टमेंट बोलें, या उस नाम को आगे पीछे करता है। कौन सा नाम? अगर आप सही बताएंगे आज ही आपको इनाम मिलेगा, मैं नहीं दूंगा, आपके पास से साफ देंगे, ठीक है? एक नाम मैं चाहता हूं देखे, थोड़ा सा एक नाम, थोड़ा दिमाग की नसों पर भी थोड़ा सा जोर डालेंगे। कौन सा एक नाम? एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, समय के अभाव के कारण, अध्याय 10 उसकी 3 आयत, फिलिपुस और बर्तुलमै, थोमा, और मसूल लेने वाला मत्ती। लेकिन आइए लूका क्या कहता है,
लूका की किताब अध्याय 6 उसकी 15 आयत लिखा गया, फिलिपुस, बर्तुलमै, मती और थोमा। लूका कहता है 12 चेलों के नाम ऐसे होने चाहिए, पहले मती, उसके बाद क्या होना चाहिए? थोमा। लेकिन जब मती ने लिखा, मती कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं। वास्तव में ये नाम ऐसे होने चाहिए, पहले थोमा और उसके बाद कौन? मती। एक नाम जिसको मती आगे पीछे करता, आपको मालूम है वो नाम क्या है? वो नाम था थोमा का नाम। मती ने जब सुसमाचार लिखा, वो थोमा के नाम को पीछे से हटाकर कहां करता गया? आगे करता। लेकिन जब लूका ने लिखा, लूका कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले मती का होना चाहिए, वो मती का रखकर पीछे थोमा का कर देता। अब सोचिए, जब आप और मैं थोमा के बारे में सोचते गए, आपके मेरे मन में क्या आता है? अविश्वास। एक वह व्यक्ति जिसने कभी विश्वास नहीं किया, एक वह व्यक्ति जो हमेशा अविश्वास करता है। यीशु कहते गए, मेरा मित्र लाजर मर गया, आओ हम उसको जिलाने चले, और वो कहता है चलो उसके साथ मरने के लिए वहां पर चलो। तो यीशु जो भी कहते रहा, थोमा उसका उल्टा करते रहा। थोमा जब हम याद करते गए, एक अल्पविश्वासी, अविश्वासी, एक ऐसे चेले के बारे में आप और मैं सोचते गए। लेकिन मती ने क्या किया? मती ने एक काम किया, और वो ये है, वो अपने से ज्यादा कमजोर जिसको उसने पाया, उसको पीछे से उठाकर वो क्या करता है? सामने लेकर आता है। आप मेरे से पूछेंगे लीडरशिप का रहस्य क्या है? लगभग 9 साल से मैं 40 पासबानों की अगुवाई करता हूं, 50 से अधिक कलीसियाएं मेरे साथ हैं। आप मुझसे पूछेंगे पास्टर जी लीडरशिप की एक रहस्य आप मुझे समझाइए, और मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं, अपने से कमजोरों को अपने आगे खड़ा करना आप सीख जाए। यहां के लीडर्स से मैं कहना चाहता हूं, यहां के जितने चर्च की अगुवाई करने वाले लीडर्स से मैं बोलना चाहूंगा, मैं प्रभु के दास का धन्यवाद देता हूं, उनके परिवार का धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप जवानों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु में बढ़ते रहना चाहते हैं, अगुवाईपन में बढ़ते रहना चाहते हैं, आपको एक गुण अपने अंदर परमेश्वर से मांगना होगा, और वो ये है, आप जब कभी ये कमजोर को देखें, आप उसको कहां लेकर आए? उसको सामने लेकर आए। जितना आप कमजोरों को बल देते जाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको बलवंत तरीके से इस्तेमाल करता जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे बलवंत तरीके से इस्तेमाल कर, और प्रभु कहता है बलवंत तरीके का इस्तेमाल करने का रहस्य छुपा है, कमजोरों को तू बलवंत कर, और तेरी कमजोरी में मैं तुझे बलवंत करते हुए आगे की ओर लेकर चलूंगा। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अपनेपन के कारण, अपने दिखावे के कारण कभी कोई विश्वासी ठोकर खाकर क्या नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप जब एक कलीसिया में नया विश्वासी आता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पासबान की जिम्मेदारी नहीं है उसको देखें, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, आप उस पर क्या करें? ध्यान दें। मुझे मालूम नहीं है मुंबई में क्या होता है, लेकिन कानपुर में तो एक भेड़ दूसरे भेड़ को जन्म देती है। यहां पर भी ऐसी होता है क्या? यहां पर भी ऐसी होता है, एक भेड़ भेड़ को जन्म देती है? चरवाहे यहां पर भेड़ को जन्म देते क्या? भेड़ भेड़ को देती है क्या? मैंने कानपुर में, नागपुर में तो हमारे ऐसी होता है, भेड़ भेड़ को देती है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं किसके पेट में से भेड़ निकलनी चाहिए? चरवाहे के पेट में से। और उसके लिए चाहिए तो हम छुरी लेके भी तैयार रहते हैं। पादरी साहब आप कुछ नहीं करते हैं, आपको क्या काम है? आप घर पे बैठते गए, भजन करते गए, ये करते गए, वो करते गए, आत्माओं को जीतने नहीं जाते। अरे भैया, क्या एक चरवाहा भीड़ को जन्म देता है? चरवाहे का काम है भेड़ को संभाल के रखना, लेकिन भेड़ का काम है एक भेड़ को दूसरी भेड़ को जन्म देना। सुनिए मेरी बात, शैतान कहीं ना कहीं लीडर्स हमको छल रहा है, हमारे मन को दुविधा में डाल रहा है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि आप भीड़ों को क्या देने वाले हो जाएं? जन्म देने वाले हो जाएं। सुनिए मेरी बात को, अपने से जब आप एक व्यक्ति को विश्वास में लेकर आते हैं, आपकी मेरी मनसा होनी चाहिए, प्रभु मैं उसको प्रभु में क्या करना चाहता हूं? मजबूत करना चाहता हूं। आप जो कर सकते हैं आप कर दीजिए, आप जितना कर सकते हैं आप उसको लेकर पीछे से लेकर कहां आ जाइए? आप उसको सामने लेकर आ जाइए। मैं एक बात पर विश्वास करता हूं, आपको मालूम है जब परमेश्वर बड़े बड़े लोगों का नाम लेगा, कई लोगों का नाम लेगा परमेश्वर, आपको मालूम है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु उनको भी स्मरण करेगा जिन लोगों ने उनको बढ़ाने के लिए क्या करी है? सहायता करी है। शायद कोई उनको जान नहीं पा रहा है, शायद कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है। एक बार मेरी परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया OM मिशन के डायरेक्टर से मिलने के लिए, बहुत बड़े महान परमेश्वर के दास।
मुझे मौका मिला लखनऊ में उनके साथ बैठकर दो पल बात करने के लिए। मैंने पूछा सर आप बहुत बड़े हैं, आपकी बुक मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, आप बहुत बड़े इंसान हैं। मैंने उनसे पूछा सर आप इतने बड़े कैसे हो गए, प्रभु ने कौन से ऐसी कुंजी परमेश्वर ने आपको दी आप जिसके द्वारा आप बढ़ते चले गए। और तब उन्होंने मेरे से बोला पास्टर सागर एवरीबडी सी हु एम आई, हर व्यक्ति वो देखता है जो आज मैं हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति उनको नहीं देख पा रहा। दो महिलाएं थी जब मैं जवान था, वो हर दिन मेरे लिए आंसू बहा बहा के रो रो के प्रार्थना करती थी और उनकी प्रार्थनाओं ने आज मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं जब ये महान प्रभु का दास जब स्वर्ग में जाएगा, इसके नाम से पहले एक और नाम पुकारा है, दो और नाम पुकारे जाएंगे। आपको मालूम है वो नाम कौन से होंगे? उन बहनों के नाम होंगे। समझिए अपनी बुलाहट को, समझिए, रखिए उन लोगों को अपने मन के भीतर, काम करिए उन लोगों के साथ जो आपसे ज्यादा कमजोर है। उनके साथ खेलिए मत, उनके साथ हंसिए मत, उनका ठट्टा मत उड़ाइए, उनको कंपेयर मत करिए। लेकिन आपका मेरा एक काम है और वो काम ये है आप उनको कैसे प्रभु में लेकर मजबूती के साथ आगे खड़ा कर सकते हैं। आपकी मेरी मनसा रात दिन की यही होनी चाहिए। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं तू उनको बढ़ाता चला जा, तेरा परमेश्वर तुझे बढ़ाता चला जाएगा। तू अपने से कमजोरों को बढ़ाता चला जा, तेरा परमेश्वर तुझे बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। उसने इस बात को सीखा ना। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट बात बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा, दैट इज वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट, जो मेरे दिल के बहुत अधिक निकट है। लूका की मत्ती की किताब अध्याय 9 उसकी 9 पद हमने पढ़ा। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक व्यक्ति को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर यीशु के पीछे हो लेता है। मत्ती की बुलाहट। मत्ती कहता है यीशु मेरे पास आया, यीशु ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुझसे कहा मेरे पीछे हो ले, और मैं उठता हूं और किसके पीछे हो लिया? यीशु के पीछे हो लिया। लेकिन मालूम है लूका कहता है ये पूरा सच नहीं है, कुछ और हुआ था। मत्ती को जब प्रभु ने बुलाया था मत्ती यूं ही नहीं उठ गया था, कुछ और हुआ था। आपको मालूम है वो क्या हुआ? लूका उस बात को साफ रीति से बताता है। लूका की किताब अध्याय 5 उसकी 27 और 28वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसके बाद जब वो बाहर को गया और एक लेवी नामक चुंगी लेने वाले चुंगी की चौकी पर उस व्यक्ति को बैठे देखा, उसने कहा मेरे पीछे हो ले। उसकी 28वीं आयत तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। मत्ती कहता जब प्रभु ने मुझे बुलाया मैं उठा, बैठा था, उठकर चलने लगा। लूका कहता ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई तो ये है मत्ती, जब तू उठा था तू अपना सब कुछ छोड़कर उठा था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, आज हम सब कुछ, सब बड़े होना चाहते हैं, हम सब बड़ी बड़ी सेवकाई, बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे एक और चीज है और वो है क्या आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार है? जितना बड़ा आपका मेरा मूल्य होगा उतनी बड़ी आपकी मेरी सेवकाई होगी। आप और मैं मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं, आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए आज जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप और मैं तैयार हैं। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं मैं भी एक दिन बड़े स्टेज पर खड़े होकर हजारों के बीच में प्रचार करूं। प्रभु कहता है वैसे काम नहीं चलता, काम चलता है तूने कितना मूल्य चुकाया सेवकाई के लिए। उसकी बुलाहट फ्री है, उसका चुनाव फ्री है, लेकिन वो मुझसे एक और चीज की उम्मीद करता है। जो मुझसे उम्मीद करता है वो ये है क्या मैं उसके लिए मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेवकाइयां यूं ही नहीं हो जाती, सेवकाइयां एक ही दिन में एक ही रात में जन्म नहीं ले लेती। सेवकाइयां जन्म लेना अगर आपको देखना है, आप उस गर्भवती महिला को देखिए जो 9 महीने तक एक बच्चे को गर्भ में रखती है और एक दिन जब उसका जन्म देने का समय आता है उसका जीवन जोखिम में ढालकर वो एक नए शिशु को जन्म देती है। सेवकाई एक ही दिन में पैदा नहीं होती, एक व्यक्ति मूल्य चुकाता है, अपना सब कुछ लुटा देता है कुछ लोगों के लिए, फिर परमेश्वर वहां से एक बीज को अंकुरित कर उठाकर खड़ा करता। मत्ती तूने क्या किया? मत्ती कहता कुछ नहीं किया। मत्ती कहता ना, लूका कहता नहीं तूने सब कुछ छोड़ा। आप तैयार थे इस्तेमाल होने के लिए, आप तैयार हैं बड़े बड़े काम करने के लिए, लेकिन क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के नाम के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए?
अरे कोई हमें अगर यीशु के नाम से कमेंट कर देता है तो हम दो दिन घर से उस व्यक्ति से नजरें चुरा कर निकलते हैं, डर लगता है कहीं वो दोबारा ना बोले। नहीं ब्रदर्स, नहीं सिस्टर्स, बोलने दीजिए जिसको काम है बोलना, बोलने दीजिए जो आपको बोलना चाहता है कि भैया ये दूसरे धर्म में मिलके जो उनको बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि आप जब चर्च की तरफ अपने कदम को बढ़ाएंगे हजारों शब्द आप सुनेंगे, हजारों आंखें आपकी तरफ नजर गड़ा करूंगी, तमाम बातें बोली जाएंगी, तमाम शब्द आपके लिए बोले जाएंगे, बहनों आपकी चरित्र तक पर उंगली उठाई जाएगी, पर उठाने दो उन सबको, क्योंकि ये जो है आप परमेश्वर के सामने उसकी सेवकाई के लिए नाम के लिए आप मूल्य चुका रहे, मूल्य चुका रहे, आप मूल्य चुका रहे। इट इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको मूल्य चुकाना होगा, इस नाम के लिए आपको मूल्य चुकाना होगा। और मूल्य मती कहता है उसने सब कुछ प्रभु की सेवकाई के लिए छोड़ दिया। मेरी प्रभु से कई बार ये प्रार्थना है, प्रभु जी मैं प्रचार तो करता हूं लेकिन जब मेरे जीवन में अगर सब कुछ छोड़ने का मौका है प्रभु तू मुझे अनुग्रह देना। आज से 4 साल पहले परमेश्वर एक चुनौती को मेरे जीवन में लेकर आया, बहुत बड़ी चुनौती, सब कुछ छूट गया, जिसने वादा किया जीने मरने का सब खत्म हो गया। और उसके बाद एक दिन प्रभु मेरे से कहता गया क्या तू अब भी खड़े रहने के लिए तैयार? और मैंने कहा प्रभु मैं एक और बार मरने के लिए मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर तेरी सेवकाई में मुझे आगे बढ़ना है मुझे तेरे नाम से खुदावन आगे बढ़ते रहना होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं सेवकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं देयर इज ए प्राइस टू बी पेड, एक प्राइस है, एक मूल्य है आपको मुझे चुकाना होगा उसके नाम के लिए, उसकी सेवकाई के लिए। आखिरी बात बोलकर बंद करूंगा, बुक पढ़ने की मेरी आदत है, काफी साल पहले एक किताब मेरे हाथ में आई और किताब थी 8 साल की एक बच्ची के बारे में, उसका नाम मर्सी था, यूरोप की घटना है, यूरोप देश की कैथोलिक एक लड़की थी जिसका नाम मर्सी था, पिता उसका शराब पीने वाला है, सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता है, माँ उसकी कहीं काम करती है, प्यारी सी सुंदर सी एक बेटी है उसका नाम उन्होंने मर्सी रखा 8 साल की। एक दिन मर्सी का पिता मर्सी को बुलाता है, कहता है पड़ोस की दुकान से कुछ लेकर आओ। और मर्सी दुकान में जाती है, उन दिनों में ईस्टर का समय था, कहानी बताती है ईस्टर का समय था, और मर्सी एक चर्च के सामने से होकर जाती है, चर्च के सामने होकर जाते समय अचानक वो यीशु मसीह के क्रूस के गीतों को सुनती है और उसका मन इतना आकर्षित हो जाता है कि वो बिना कुछ सोचे उस चर्च के अंदर प्रवेश करती है। तब वहां वो देखती है कुछ अनाथ बच्चे यीशु मसीह के क्रूस के बारे में आने वाले दिनों में ईस्टर के समय, माफ कीजिए, गुड फ्राइडे की तैयारी कर रहे थे, कैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा एक प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, गाना भी चल रहा था, मर्सी वहां बैठकर उस गाने को सुनने लगी। उस प्रोग्राम में वो इतना खो गई कि उसको पता ही नहीं चला कब शाम होगी, लेकिन प्रोग्राम के अंत में मैम पूछती है कौन अपने जीवन को यीशु मसीह को देना चाहेगा। मर्सी को थोड़ी बहुत कहानी समझ में आती है, वो खड़ी होकर कहती है 8 साल की बेटी मैम क्या मैं दुआ कर सकती हूँ? मैम ने कहा तुम भी कर सकती हो, मैम एक उद्धार की प्रार्थना कराती है। मर्सी घर पहुंचती है, किताब कहती है कि जब मर्सी घर पहुंची उसका पिता बहुत क्रोधित था, गाली देने लगा, थप्पड़ लगाया, कहने लगी तू लड़की बिगड़ गई है, सुनती नहीं है, मानती नहीं है, कहां गई थी? पर उसने बताया नहीं कि वो एक चर्च पहुंच गई। अगले दिन फिर उसका शराबी पिता उसको बुलाता, कहता देख कल जैसा मत करना, आज ये काम पूरा कर करा। फिर वो चर्च की तरफ से जाती है, चर्च की आवाज, क्रूस की मिठास उसको उसकी ओर खींचती है। वहां दिन भर वो बैठती है, भूल जाती है पिता ने कुछ कहा था। कहानी आगे बढ़कर कहती है जब वो घर पर लौट कर आती है उसका पिता क्रोधित है, बहुत गुस्से में है। और जैसे ही मर्सी घर के पास पहुंचती है इससे पहले वो कुछ कहती, किताब कहती है उसके पिता ने उसकी कमर में बहुत जोर से एक लात मारी और वो लड़की नीचे जमीन के ऊपर गिरती है। कुछ देर के बाद उसके नाक कान मुंह में से खून निकलने लगता है, तब पिता को पता चलता है अरे मैंने तो बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिया। उसका होश उतर, शराब का नशा उसका उतर जाता है। बाप दोनों मिलकर, माँ और बाप मिलकर अस्पताल लेकर उसको पहुंचते हैं, मालूम पड़ा भीतर बहुत अधिक ब्लीडिंग हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत गहरी चोट लगी है, अगर वो खड़ी भी हो गई तो जिंदगी भर खड़ी नहीं रह पाएगी क्योंकि कमर की हड्डियां बिल्कुल टूट चुकी हैं। थोड़ी बहुत आखिरी सांस वो लड़की गिन रही है। मर्सी को मालूम पड़ता है जिंदगी के कुछ पल मेरे पास रह गए, 8 साल की बेटी। और तब कुछ देर के बाद उसका पिता उससे मिलने जाता है, माँ मिलने जाती है, उसका पिता पैर पकड़कर, कहानी में लिखा है रोता है, उसकी माँ उसके हाथ को पकड़कर रोती है।
तब मर्सी को थोड़ा बहुत होश आता है, अपनी आंखें वो खोलती है और अपने पिता के हाथ को थामती है और अपने पिता से टूटे फूटे शब्दों में कहती है, और कहानी कहती है वो 8 साल की लड़की, सच्ची घटना, और वो कहती है पिता डॉक्टर्स कहते हैं मैं बचूंगी नहीं, मेरा नीचे का हिस्सा खत्म हो चुका है, मैं बुरी तरीके से खत्म हो चुकी हूँ, कुछ पल की मैं मेहमान रह गई हूँ। लेकिन वो कहती है पापा मेरा मरने से पहले क्या एक काम करोगे। पिता उसका पूछता है क्या करना है, कहती पापा मुझे मालूम है मैं कैथलिक हूँ, मुझे मरने के बाद दफनाया जाएगा। और वो कहती है पापा क्या आप एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम बेटा। पापा जब मैं लौट कर आई, जब आपने मुझे लात मारी, जो फ्रॉक मैं पहनी हुई थी मुझे मालूम है वो फ्रॉक पूरी खून से भर गई है। पिता पूछता है तो बेटा क्या करना है। तब वो बेटी कहती है पिता जहाँ फ्रॉक खून से भर गई है क्या उस खून के वाले क्षेत्र को आप कैंची से काट कर क्या मेरे बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। पिता पूछता है बेटा तू क्यों ऐसा बोलना चाहती है। तब वो कहती है मैम ने कहा था जो यीशु को उद्धार करता जानकर स्वीकार करते हैं वो मर जाते हैं तब भी वो जीवित रहते हैं। और वो कहती है पिता जब मैं मर जाऊंगी मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगी और वो फ्रॉक का टुकड़ा उसको दिखाकर कहूंगी तू मेरे लिए धरती पर मर गया मैं तेरे लिए मर गया। दैट व्हाट ये है मूल्य चुकाना। तू मेरे लिए क्रूस पर मर गया मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। आज की सेवकाई उन लोगों के लिए सेवकाई आज की सेवकाई है। उन लोगों को परमेश्वर आज अपनी सेवकाई के लिए आह्वान देता है जो ये कहते हैं तू मेरे लिए मर गया। और मेरे लिए सेवकाई का मतलब है मैं क्रूस पर तेरे लिए प्रभु इस दुनिया में तेरे लिए इस दुनिया में चलते फिरते समय मैं मरने के लिए तेरे राज्य के लिए क्या हूं मैं तैयार हूं। और ऐसा जो व्यक्ति तैयार है तब प्रभु उसको देखकर कहता है तू मेरे राज्य और मेरी सेवकाई के लिए तैयार है।